देख के चलना। अरे, अरे माफ कर देना चाचा। चल हट। अरे खुद को संभाल नहीं पाते हो तो इतनी पीते क्यों हो? चल निकल यहाँ से। माफी मांगा फिर भी। अरे क्या देख रहा है वो? क्या ना, दारू पीने के बाद भूख लगती है ना, इसलिए फ्रूट खाना अच्छा रहता है। ये खट्टा भी नहीं। केला ले लो, केला एकदम ताजा, केला 30 का आधा, 60 का पूरा दर्जन। ये ताजा केला ले लो चाचा। केला खाओगे चाचा? नहीं चाहिए। पहचाना मुझे बुड्ढे? पैसा पूरा है ना? हाँ। अगर आज तू मुझे पैसे नहीं देता तो तेरा बेटा तुझे वन पीस में नहीं मिलता। सुन बे, हमें अपने पैसे मिल गए हैं, अब इसके बच्चे को छोड़ दो। जी भाई। देवराज। हाँ? मेरे मामले में टांग मत अड़ा। ये शहर छोड़ने के लिए मैंने तुझे पहले ही आगाह किया था, लेकिन तूने ऐसा नहीं किया रवि। 15 मर्डर, 10 एक्सटॉर्शन और 6 अपहरण के केस दर्ज है तेरे ऊपर। 4 साल पहले तू एक छोटे से रेलवे स्टेशन के ऊपर चाय की टपरी चलाता था। आज तेरे एक इशारे पर बड़े बड़े गेम हो जाते हैं। मुझे अच्छी तरह पता है कि तुझे गिरफ्तार करते ही तेरे ऊपर वाले बाप फोन करना शुरू कर देंगे, लेकिन मैं तुझे इतना ऊपर भेज दूंगा जहाँ नेटवर्क ही नहीं है, कॉल ही नहीं लगता। तू गलत इंसान से पंगा ले रहा है, पछताएगा तू। मैं इसे मार डालूंगा, मेरा पीछा मत करना। पोस्टमैन, क्या हुआ? जरा इधर आ। हाँ बोलो। अबे तू कैसा काम करता है? मेरा खत किसी और के घर पे दे आता है और उसका खत मेरे घर पे ले आता है। पहली बार जब तूने चाय बनाई हाँ? तब शक्कर की जगह नमक डाला होगा। हाँ? अपनी गलतियों से ही सब सीखते हैं। है क्या कर रहा है? चले कड़क चाय पिला। अरे ये सामने कौन से हीरो का पोस्टर लगा के रखा है? ये पिक्चर वाला हीरो नहीं, असल जिंदगी का हीरो है, आईपीएस ऑफिसर एनकाउंटर स्पेशलिस्ट देवराज। अब तक 100 से ज्यादा गुंडों के टिकट काट कर ऊपर पहुंचा चुका है। हाँ, वो जो भी हो, पर यहाँ पर उसका इतना बड़ा पोस्टर लगाने का क्या मतलब है? ये जिसने लगाया है उसके लिए ये पोस्टर नहीं बल्कि उसकी निगाहों में खुदा है। वो अपनी जिंदगी में इन्हीं के नक्शे कदम पर चलना चाहता है, समझ गए? ख्वाब में भी वो देवराज सर को ही देखता है। वो तो इनकी छपी हुई तस्वीरों को भी काट कर अपनी घर की दीवारों पर चिपकाता है। क्या बात कर रहे हो? हाँ? पर ये है कौन? शरीफ लोगों के लिए वो है रवि। हाँ? और गुंडों के लिए पुलिस रवि। वो गुनहगारों के होश तो ठिकाने ले ही आता है, अगर पुलिस वाले ही गलत करते हैं तो उन्हें भी सबक सिखा देता है। अगर तुम्हें असलियत देखनी ही है तो बस यहीं बैठो, तुम्हें ट्रेलर और फिल्म दोनों देखने को मिल जाएगी। आजा आजा।
क्या जनाब, आपको लगा मैं आपको पकड़ नहीं पाऊंगा? दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं जो इस रवि के बस का नहीं है। मैंने तो सुना था कि पुलिस लोगों की रखवाली के काम के लिए है, और आपने सड़क पे चलते एक बुजुर्ग को उड़ा दिया, वो भी 120 की रफ्तार से। कितना गलत किया सर। ओहो, शराब की बोतल। लोग स्टीयरिंग पकड़ के गाड़ी चलाते हैं और आप बोतल पकड़ के चलाते हो? हाँ, तुम दारू पिए तो कुछ नहीं, और हम दारू पिए तो मुंह सूंघ 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 के अंदर डाल देते हो। ए, ज्यादा जबान मत चला। अबे चपड़ गंजो, मैं तो अपनी जबान संभालूंगा, पर तू जरा अपनी वर्दी की इज्जत तो संभाल ले। बुड्ढे को उड़ा के भाग रहा था। जब पुलिस ऐसे काम करती है तो मुझसे बच नहीं पाती है। पता इंस्पेक्टर कैसा होना चाहिए? देवराज जैसा। बस 5 साल इंतजार कर, फिर इस रवि को तू सलाम ठोकेगा, क्योंकि मैं पुलिस बनने वाला हूँ। तेरी खाल उधेड़ दूँगा। बोतल की दारू पी के इंसान झूमता है, पर जब दारू की बोतल खोसती है ना तो खून की नदियां बहती हैं। ये देख, रवि आ गया। चाबी दे पुलिस स्टेशन में, क्या बोलूंगा? चाबी क्या, अभी गाड़ी भी भूल जा। चीचा कैसा है? डॉक्टर ने कहा है कि काफी खून बह चुका है। खून का इंतजाम तो ब्लड बैंक से हो गया है, लेकिन पैसे कम होने की वजह से डॉक्टर्स ने इलाज करने से मना कर दिया है। यहाँ पर इतना बड़ा दिल वाला है, सिर्फ आवाज करो, कितना पैसा चाहिए? कुल मिलाकर 20,000 की ही जरूरत है जनाब। सिर्फ 20,000 रुपए चाहिए? नहीं दूंगा, जो चाहे कर ले, दान धर्म के लिए पैसे नहीं कमाए। मिल गई चाबी। क्या कर रहा है? काफी रिश्वत कमाई है। ये ले, ए, रुक। पुलिस वाले को लूट रहे हो, किसी को नहीं छोड़ूंगा। बस अभी सिर्फ 15 चाहिए। ए, बस एक फोन है? और सब जेल में होंगे। अंगूठी अंगूठी में झोल निकाल। सब अपने आप को, सबको सजा मिलेगी। ए, मेरी अंगूठी। इसके दस्त मिल ही जाएंगे। खुद को रॉबिन हुड समझता है। देख क्या करता हूँ मैं। 5-6 लोगों का पूछ, कोई ना कोई खरीद लेगा। ठीक है ठीक है। एक एक पाई का हिसाब लूंगा मैं, तुम्हें सजा तो मैं ही दूंगा। अंदर चल, फिर पता चलेगा किसको सजा मिलेगी। अंदर आ, ये बेचारा मेहनत मशक्कत करके अपने घर को पाल रहा था, तूने उसे किसी काम का नहीं छोड़ा। डॉक्टर ने बोला 2 महीने के लिए खटिया पकड़ी है इसने, तब तक इसके खानदान को कौन पालेगा? अब तू इसके खानदान को पालेगा और इसकी जिम्मेदारी मैं लूंगा। चल जाके पहले खुद को सजा दिलवाओ। मुझे नहीं चाहिए बेटा। नहीं नहीं, रख लो माई। एक अनजान होकर भी तुम हमारी मदद कर रहे हो, मैं तुम्हारा ये एहसान कैसे चुकाऊंगी बेटा? अरे माई, हमारा भी एक रिश्ता है जिसे कहते हैं इंसानियत का रिश्ता। उस नाते में आपका अपना ही हुआ ना। दुनिया बनाने वाला खुद नहीं आता, मुझ जैसों को भेजता है, ख्याल रखना। बेटा, वो हवालदार इस बच्चे को परेशान तो नहीं करेगा ना? अरे वो क्या उसका बिगाड़ेगा, कल मेरा भाई पुलिस बनेगा, उसके बाद डीजी, उसके बाद मिनिस्टर, कौन उससे पंगा लेगा? सर। क्या हुआ? रघु के आदमी पूरे शहर में तोड़फोड़ कर रहे हैं सर। शर्म कर, कैसे पुलिस ऑफिसर? 2 ठगे के गुंडों के सामने तुमने अपने घुटने टेक दिए, इसीलिए पहनी थी वर्दी? तुम इसके लायक नहीं हो। देवराज सर, आपने जिसका एनकाउंटर किया है, क्या उसके बारे में हमें कुछ बताएंगे? ये वो गंदी नाली के कीड़े जिन्हें खत्म करना बहुत जरूरी है। इन सब गुंडों का सरदार विनाश राव है, तो आप उसे क्यों नहीं पकड़ते? जब छोटी मछली आ जाए तो बड़ी भी आ जाएगी, मछली जाल में फंसते ही आपको बता दिया जाएगा। भाई देवराज ने मेरे भाई को मार डाला। बंद कर, जो हो गया तो हो गया। वो एक एक करके हमारे आदमियों का कत्ल कर रहा है। इसका कत्ल हो गया तो कौन सी बड़ी बातें हैं? रोना बंद कर, देवराज भाई ने सबको ऊपर लाया। भाई इस इलाके का भाई है और जान का तो हम सबको खतरा होता है। आज ये क्या, कल तू जाएगा, कल तू जाएगा, तू तू हम सब, कोई नहीं बचेगा। इस धंधे में जान का खतरा रहता है और ये खतरा कल तुम्हारे गिरेबान तक भी पहुँच सकता है, फिर तुम्हें कौन बचाएगा? उसे खत्म कर देना ही बेहतर है। विनाश राव, जिसके नाम में ही दहशत है और जिसकी दहशत के आगे सिर्फ आम इंसान ही नहीं बल्कि मंत्री और पुलिस भी अपना सर झुकाते हैं। विनाश राव ने शुरुआत की थी चाय की छोटी दुकान से और इसी जगह से उसने जुर्म की दुनिया में पहला कदम रखा। और ये है वो बस्ती जहां विनाश राव एक बड़ा कॉम्प्लेक्स बनाना चाहता है। इस बस्ती के लोग विनाश राव को उनका मसीहा मानते हैं, लेकिन वो ये नहीं जानते कि वो मसीहा के रूप में एक भेड़िया है। उसके कई गैरकानूनी धंधे हैं
जैसे कि चिट फंड, मिनरल वाटर की आड़ में स्पिरिट बेचना, पर आज तक ऐसा कोई पैदा नहीं हुआ जो विनाश राव के धंधे बंद करवा सके। बड़े भाई नमस्ते, आइए आइए। सालों की अपनी मेहनत से मैंने ये अपना कारोबार खड़ा किया है भाई। शानदार, ये शहर का सबसे बड़ा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है। बड़ी अच्छी बात है। हाँ। आप आए हैं तो जो चाहिए ले लीजिए भाई। माचिस देना जरा। अरे नहीं नहीं, पैसे नहीं दूंगा। इस पे तुम्हारा हक है, रख लो। धंधे में बरकत हो। सेठ जी जरा मेरे साथ आइए ना, क्या सामान आया है। मैं अभी आया। हाँ हाँ हाँ, काम पहले जाओ। आओ, सामान ठीक से गिन लिया है ना? जी। पैसे मैं ट्रांसफर कर दूंगा, अब तुम जाओ। ठीक है। अरे ये क्या, अरे बाप रे, ये क्या कर दिया, मेरी दुकान में आग लगा दी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? उससे आगे कोई नहीं जा सकता। मेरी दुकान में आग लगा दी, अरे मैं तो बर्बाद हो गया। हाँ, आ गए। क्या हुआ, पेट में दर्द हो रहा है? छाती में हो रहा है। अरे तो चलिए डॉक्टर के पास चलते हैं। ये सब तेरे बेटे की करतूत है, बुलाओ उसको। क्या किया उसने? क्या किया उसने? एक हवलदार को धमकी दी, उसको मारा और फिर उसके पैसे छीन लिए। सारी शर्म बेच चुका है ये लड़का। हाँ, मेरी लुंगी है, मैं देख लूंगा। जानती हो पुलिस मुझे उठा के ले गई थी। क्या सुनू, मुजरिमों की तरह बिठाया मुझे और इसे कोई फर्क नहीं पड़ा। पता कितनी बेइज्जती हुई मेरी। गला फाड़ने से कुछ नहीं होगा। इसे कोई फायदा नहीं होगा। बच्चे जो करना चाहते हैं उन्हें करने देना चाहिए। ये देवराज आईपीएस बन पाया क्योंकि ये पढ़ाई पे ध्यान देता था। और एक ये है जो एक ही क्लास में 2 साल से कुंडली मार के बैठा है। मैंने एक ही क्लास में 2 बार रिपीट किया। हाँ सच कह रहा हूँ, मेरे पापा ने एक बार मुझे बहुत पीटा और मुझसे कहा कि ये पढ़ाई तुम्हारे बस का रोग नहीं है। लेकिन मैंने पढ़ाई जारी रखी क्योंकि मैंने ये तय कर लिया था कि मैं आगे बढ़ूंगा, खूब मेहनत करूंगा और आज मैंने अपना मुकाम पा लिया। बहुत मेहनती है ये। मेरा बेटा भी करेगा ना? कुछ नहीं करेगा, सिर्फ आवारागर्दी करेगा। इसकी पढ़ाई के लिए कितना पैसा खर्च किया, कोई कदर है इसे? बस बहुत हुआ, मैं इसे फूटी कौड़ी नहीं दूंगा। कह दो इसे। मैंने कभी किसी से पैसे नहीं मांगे। तुमको किसने? मुझे मेरे पिता ने पढ़ाई करने के लिए एक ढेला तक नहीं दिया। आप पूछेंगे आपने पढ़ाई कैसे की। मैं रात के वक्त ऑटो चलाता था और उससे अपनी चीज भरता था। क्या है कि मुझे हर हाल में अपना मकसद। तकलीफ ज्यादा हो रही है क्या? पापा, तू अपने पापा को परेशान कर रहा है। मैं तो कहती हूँ पढ़ाई वढ़ाई सब छोड़ दे, हम तेरी शादी करवा देते हैं। बच्चों को शादी के बंधन में मत बांधो। शादी करना नहीं करना ये उनकी चॉइस होनी चाहिए। मैंने भी तब शादी की जब मैं कुछ बन गया। आदमी की कामयाबी के पीछे एक औरत का हाथ होता है। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। मेरी पत्नी इनसे मिली, गायत्री। नमस्ते। और ये है मेरे प्यारे प्यारे छोटे छोटे बच्चे। मैं अपने परिवार के साथ बहुत खुश हूँ। तो दर्शकों, आज का हमारा ये प्रोग्राम यही खत्म होता है। अगर आपको आईपीएस देवराज से और भी सवाल पूछने हैं तो हमें लिख भेजिए। हम आपसे मिलेंगे अगले एपिसोड में। नमस्कार। नमस्कार, खबरें यही खत्म होती हैं। स्लो मोशन में बोलना बंद करो और देवराज के कॉलेज में एडमिशन कराओ। समझाओ इसे। मैं पहले से समझदार हूँ। अपने बेटे से कह दो आज के बाद मैं इसे कुछ नहीं कहूँगा। अगर फेल हुआ तो मैं जो कहूँ करना पड़ेगा। शाम को 5 बजे लेने आ जाना। ठीक है सर। पापा देखो, ये मेरे नए दोस्त हैं। सलाम सर। सलाम साहब। एक एक करके सलाम करो रे। सलाम साहब। सलाम साहब। सलाम साहब। आप खेलोगे? सलाम सर। पापा देखिए ना, मुझे कैरम खेलने के लिए एक नए दोस्त मिल गए। सलाम सर। कहाँ रह गए थे आप, मेरा फोन भी नहीं उठा रहे थे। देखिए आपसे मिलने के लिए आपके दोस्त आए हैं और आपका कोई पता ही नहीं। तुम्हारी बीवी खाना अच्छा बनाती है, किस्मत वाले हो। एक मिनट, मैं पानी लेकर आती हूँ। देवराज एक परिंदा था जो नदी की तमाम मछलियों को खाए जा रहा था और एक एक करके सारी मछलियाँ खत्म होते जा रही थी। पानी में बहुत ही कम मछलियाँ बची क्योंकि परिंदा एक एक करके सबको खा रहा था। उन मछलियों का नाम था ढींगरा, राजू, प्रवेश और आखिरी नाम था रघु लंगड़ा। उसकी भूख बढ़ती जा रही थी पर मछलियाँ बची नहीं। और एक दिन आ गया एक बहुत बड़ा मगरमच्छ, यानी कि मैं। मुझे खत्म करना चाहता है ना? मैं नहीं चाहता कि मुझे ढूंढने के लिए तुझे कोई
मशक्कत करनी पड़े। अब मैं बिल्कुल तेरे सामने खड़ा हूँ, तेरे ही घर में। मार, मार मुझे। पापा, मार। पापा, मेरी गलती की तुम्हें अपने घर में आने दिया। रुक जाओ, तुम लोगों का अकल नहीं है? जानते भी हो कि ये कौन है? देवराज, हर एक शख्स पहचानता है इसे, सबका मसीहा है ये। लेकिन मुझे कोई नहीं जानता, जानना चाहिए ना। बाहर ले जाकर मारो इसे। ए रवि। अरे रवि, उस गोलू का दिमाग खराब हो गया लगता है। क्यों कहे वह? तू खुद ही चल के देख ले क्या बात है। अरे मेरे गोलू, आज ये कौन सा नया शरबत पी रहा है? ये तुझे शरबत लग रहा है? ये खटमल मारने की दवाई है, और ये चूहे मारने की। इन सबको इस कटोरी में मिलाकर इसका कॉकटेल बनाकर एक ही घूंट में इसको पी जाऊंगा। चौथी बार बोल चुका है, लेकिन एक बार भी नहीं पिया। अरे चाचा, क्यों गलत चीज के लिए उकसा रहे हो? पर आज तू खाने के टाइम पे जहर क्यों खा रहा है? इस बारे में मत बोल, तूने प्यार नहीं किया है। जानता है ना, मैं प्रिया से प्यार करता हूँ। हाँ तो? अरे उसका बाप किसी और से उसकी शादी करा रहा है। सच है क्या? अच्छा है ना, इसकी गर्लफ्रेंड की शादी में जाएंगे और फुकट में खाना खा के आएंगे। भुंकड़ो, मैं मरने जा रहा हूँ और तुम लोग को दावत की पड़ी है। मैं इसको पी लेता हूँ, फिर मैयत का दावत खाना। लेकिन खाना लज्जतदार होना चाहिए। तुम लोग से अच्छा तो उसका बाप है, कम से कम मेरे सामने तो मेरा मजाक नहीं उड़ा रहा है। चुप कर, बेकार में ड्रामा कर रहा है। ठीक है, कल तेरी शादी करवा दूंगा। प्रिया का बाप खुद तुझसे मिन्नतें करेगा और हाथ जोड़ के तुझे अपना दामाद बनाएगा। क्या बक रहा है, कैसे? तू बस देखता जा। जरा देखो, खाने की तैयारी हो गई क्या? पूजा की सामग्री ले आइए। हाँ पंडित जी। अरे सब्र सब्र, चलो बैठ जाओ बेटी। तू क्या लड़की को अगवा करने की सोच रहा है? तो फिर किसको? दूल्हे को बुलाइए। अरे ये क्या, दूल्हा तो भाग गया। क्या क्या? दूल्हा भाग गया? क्या कहा, दूल्हे साहब भाग गए? अरे देखो यही कहीं होंगे। अरे मैंने टॉयलेट में भी देख लिया, वो वहाँ भी नहीं है। ऊपर जाके लेटर देखे। अरे आपस में क्यों झगड़ रहे हो? ये देखो बच्चा कुछ लेकर आया। ये खत किसने दिया? वो वाले अंकल ने बोला। बोल खोल दी, इसको आइसक्रीम खिलाओ। लगता है दूल्हा बच्चलन था। अरे पहले ये तो बताओ इसमें लिखा क्या है। अरे पढ़ रहा हूँ। आप तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे मैंने ही लिखी हो। क्या यार, बाबूजी और मम्मी जी को मेरा सलाम नमस्ते। कितनी बार कहा है कि मुझे औरतों से ज्यादा सुकून से प्यार है, इसलिए सुकून के लिए मैं पहाड़ों पे जा रहा हूँ। मैं संन्यास ले रहा हूँ बाबूजी। मैं एक आजाद पंछी हूँ, मैं एक डाल पे नहीं बैठ सकता। मेरी ये आत्मा सिर्फ परमात्मा के लिए है और किसी के लिए नहीं है। सुनो सुनो, अच्छा हुआ वो भाग गया, वरना लड़की को भी संन्यास लेना पड़ता। अरे रे रे रे, क्या कर रहे हो? मुश्किल से तो शादी के लिए कोई लड़की राजी हुई थी, ये तो होने से पहले ही टूट गई। अरे कोई बचाओ, बचाओ, बचाओ। मुंह बंद कर। सारी अदाकारी मैं ही करूं क्या? तुम कुछ नहीं करोगी? क्या, जल्दी बेहोश होना। अरे दुल्हन की जिंदगी लुट गई, कोई इसका हाथ पकड़ेगा? अरे पकड़ो, मुझ पे गिर रही है। अरे कोई है दयावान? अरे उसे बिठाओ। यहाँ कोई है जो इस दुखियारी से शादी करने के लिए तैयार है? कोई नहीं करेगा। जिस लड़की का दूल्हा शादी से पहले ही भाग गया हो, उस लड़की से कोई भी अच्छा लड़का शादी नहीं करेगा। कोई नहीं करेगा, कोई नहीं करेगा। क्या कोई नहीं करेगा? मैं हूँ ना। मेरा मतलब है मैं नहीं, ये करेगा, ये करेगा। आप इतनी बड़ी कुर्बानी देंगे? अबे दांत मत दिखा, थोड़ी सी एक्टिंग कर। मैं इससे शादी नहीं करूंगा। जिसका पति पहले ही भाग गया, मैं उससे शादी क्यों करूं? हाँ, ठंडे दिमाग से बात कीजिए, चिल्लाइए मत। क्या हुआ, ओवर एक्टिंग हो गई क्या? मैं ये शादी बिल्कुल नहीं करूंगा। इस बेचारे की क्या गलती है? इस मासूम का हाथ थाम के इसे बचा लो प्लीज। देख के तुम मेरे पीछे क्यों पड़े हो? मुझे शादी नहीं करनी। भाई साहब, आप लड़की वालों की तरफ से हैं या लड़के वालों की तरफ से? मैं किसी की तरफदारी नहीं करता, मैं तो सबके साथ हूँ, पूरे देश के साथ। जय हिंद। अरे कैसे बाप हो आप? एक अनजान आदमी आपकी बेटी के लिए छटपटा रहा है, आपकी बेटी की शादी इससे हो जाए, उसके लिए मिन्नतें कर रहा है वो। चलिए पैर पकड़िए इसके, चलिए। अरे बेटा, मेरी बेटी से शादी कर लो, अपना लो उसे। दबा दो, मैं ये शादी नहीं करने वाला। अरे इतना गिड़गिड़ाओ मत, अगर ये शादी नहीं करना चाहता है तो मैं कर लेता हूँ। ये भी चलेगा। अरे इस कांडी को फेंको, आप शादी करेंगे ना? बोलो मुझे। अरे हट जाओ।
मंगल सावधान, विवाह संपन्न हुआ। काम हो गया। अरे नहीं, आशीर्वाद लेना है तो इस महान इंसान का लो। अरे पैर चुने की क्या जरूरत है, इसकी तो प्लानिंग हमने पहले से करके रखी थी। क्या कहा? मतलब बहुत महान काम किया, बहुत महान काम किया है। अरे फिकर मत कर, पास हो जाएगा। 8820 रवि। बोल ना। अरे यार जल्दी बोल, सस्पेंस काय को बना रहा है। रवि अपना दोस्त पास हो गया। अरे मेरा दोस्त पास हो गया, बधाई हो। अगर ऑटो चलाने से तुम्हारी कमाई पूरी ना हो तो बेहिचक मुझसे मांग लेना। मैंने भले गुस्से में तुम्हें मना किया हो पर भेज दूंगा। पापा आप शायद भूल गए हैं पर मैं कुछ नहीं भूला। मैं अपनी जबान से पीछे नहीं हटने वाला। कॉलेज की फीस तो ऑटो चला के ही भरूंगा। क्या हुआ माँ, मेरे जाने का गम आपसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है क्या? इस बात का गम नहीं है। मालूम था मुझे, तो ये आंसू किस लिए? सोचा था इस साल तुम्हारी शादी धूमधाम से दुबे की बेटी से करवाऊंगी। बहू आएगी तो मेरी भी मदद हो जाएगी। वो दुबे जी की बेटी चौथी फेल। माँ एक बात याद रखो, मेरी शादी सिर्फ और सिर्फ मेरी मर्जी से होगी और कोई ऐरी गैरी नहीं चलेगी। वो लड़की ऐसी होगी जिसे देखकर बाहुबली का भी दिल पिघल जाए। सुन रवि, शहर जा रहा है पढ़ाई करने के लिए तो ध्यान लगा के पढ़ाई करना, वहाँ पर जाके मस्ती मत करना, समझ गया? हेलो, मैंने एक महीने पहले स्कूटी की बुकिंग करवाई थी, अब तक आई क्यों नहीं? वहाँ पर मैंने सारी रकम एडवांस में भर दी थी, फिर भेजने में इतनी देरी क्यों हो रही है? मुझे एक फिक्स तारीख बताइए कब तक आएगी। अरे जवाब दीजिए ना। सॉरी, माफ कीजिए। क्या मैडम, वैसे भी स्टेशन में पहले से इतनी भीड़ है और आप कहीं पर भी देख के चल रहे हो। इतना अच्छा काम करने के लिए इसे क्यों डांट रहा है भाई? मिस्टर रवि, सारा सामान उठ चुका है, अब हाथ में सिर्फ तेरे कंकड़ आएंगे। शुक्रिया। सॉरी सॉरी, कोई बात नहीं। सॉरी सॉरी। अरे कोई बात नहीं। अरे बाकी का सॉरी ट्रेन पे चढ़ के बोल देना, चला वरना ट्रेन छूट जाएगी। सुनना गोलू, इसे देखकर ना मुझे वो याद आ गई। कौन याद आ गई? अरे वो लड़की जिसके बारे में देवराज ने कहा था जो मेरी कामयाबी बनेगी, वही छीन ले गई। अरे क्या छीन लिया, पर्स मार लिया क्या? यार ऐसा लग रहा है कि उसने मेरा दिल ही छीन लिया। वो लेके क्या गई पता नहीं, पर वो ये छोड़ के गई है। चाहिए? नहीं तुम खाओ। आप लोग भी इसी ट्रेन में हैं? हाँ हाँ हाँ। अब सफर अच्छा कटेगा। अरे बेटा इसे ठीक से पकड़ो, गिर जाएगा। बेटा पकड़ो, गिर जाएगा। ए, रवि। क्या हो रहा? क्या बहकी बातें कर रहा है, किसके बारे में सोच रहा है? ओ, बेटे से बात है। तेरा बेटा? हाँ। माँ कब आ गई? कब की आ गई? वो देख सामने। देख बेटी, उनका ठीक से ख्याल रखना। एक ही बच्चा है। ठीक है, हट। मैं इतना भी आलसी नहीं हूँ, एक बेटा और एक बेटी है, दो दो बच्चे। मिले हुए अभी कुछ ही मिनटें हुई हैं और तूने बेटा बेटी भी पैदा कर लिया है। अगर मैं यहाँ पर और रुका तो पोता पोती भी हो जाएंगे। ये तो सच कहा तू। ख्याली पुलाव पका, मैं पुलाव लेके आता हूँ। कृपया ध्यान दीजिए, प्लेटफॉर्म नंबर 5 की गाड़ी रवाना होने के लिए तैयार है। दादी ट्रेन चालू होने वाली है, क्या करें? जल्दी से अंदर आइए ना। अरे अंदर आइए, आती हूँ, जल्दी आइए। अरे अरे तुम लोग यहाँ रही हो क्या? कहाँ? जहाँ ये ट्रेन जा रही है। मैं तो अपनी दादी को छोड़ने आई थी। क्या कह रही हो तुम, दादी के साथ मुझे क्यों छोड़ रही हो? कहाँ रह गई? अरे सुनो 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 सुनो, आधे रास्ते तक तो साथ चल सकती हो ना? क्या? प्लीज मेरी खातिर। अरे उतर जल्दी, ट्रेन चालू हो गई है, सुनती ही नहीं है। देखिए ट्रेन चलने तो रुक जाओ ना, मत जाओ। चल उतर जल्दी। अरे संभल के रुको। बाय बाय बेटा। बाय 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 बाय।
ए बेटा, अरे सुनो बेटा, बहरे हो? मैं पूछ रही हूँ, शहर जा रहे हो? नहीं, अंतरिक्ष में जा रहा हूँ। ओहो, यानी तुम मुझसे चार कदम आगे हो। चंद्र कुमार आईएएस, मनोहर एमबीए, वाह। हाँ, मेरे हीरो देवराज, मेरी भी तस्वीर आपके बगल में लगी होगी, क्योंकि मैं भी बनूंगा आईपीएस ऑफिसर। यहाँ जो भी पढ़ा है उसने काफी नाम कमाया है। विकास, फर्स्ट ईयर बीकॉम 2019। जैसे तू हिल गया मेरा अजीब रूप देखकर, बिल्कुल वैसे ही बाकी लोगों का बीपी बढ़ जाता है मुझे मिलकर। ऐसा नूरानी चेहरा सारी दुनिया के लिए मैंने नोटिस बोर्ड पर बना के चिपकाया है। खुद की तस्वीर लगा दी, शर्म नहीं आती तुम्हें? ये सब पढ़े लिखे लोग हैं और तुम इनकी बराबरी कर रहे हो, जाहिल कहीं के बेवकूफ। क्या हुआ सर, अब क्या किया इसने? खुद ही देख लो इस जाहिल की हरकत। सर मैंने आपको कहा था इसको एडमिशन मत दीजिए, फिर भी आपने इसको एडमिशन दे दिया। आइंदा अगर ऐसा कुछ किया तो सीधा तुम्हें कॉलेज से बाहर निकाल दूंगा, समझे? घर जाओ चाचा, आपकी छुट्टी। टेंशन वाले हालात में लोग गला फाड़ते हैं, चिल्लाते रहते हैं, लेकिन मैं लोगों से उल्टा हूँ, ऐसे हालात में हंसता हूँ, मेरी हंसी सुन के लोग रोते हैं। तू भले कितना भी अलग हो पर मुझे शक्ल से तू लग रहा है एक नंबर का चूहू किस्म का इंसान। ये तो मुझे रुलाएगा। नेहल। यस मैम। उमा, ये आप अपनी नोटबुक में लिख लीजिए। मैम। तुम उमा हो? जी मैम। पहले दिन ही लेट? वो मैम बात ये है कि। कुछ नहीं सुनना, आइंदा लेट मत होना, जा जाके बैठ जाओ। डेबिट मींस लेने वाला, क्रेडिट मींस देने वाला। अपनी बुक का पेज नंबर 17 खोलिए, उसमें मिल जाएगा। अगर एक फुट का भी फर्क रह जाएगा ना, बहुत मुश्किल। कितना शोर कर रहे हैं, बाद में काम नहीं कर सकते? पहले क्लास लेट स्टार्ट हुई है, ऊपर से इन्होंने दिमाग खराब कर दिया। कैसे पढ़ाऊं मैं इतने शोर में? कैसी टीचर है ये, कितनी खड़ूस है, इतनी गर्मी में खिड़कियाँ भी बंद कर दी। जब मैं आई थी तो मुझे भी कितना सुना दिया, सिर्फ 10 मिनट ही तो लेट थी मैं। क्या खुसर खुसर चल रही है, उठो। मैम क्या बात हो रही है? ये कह रही है कि आप बहुत खड़ूस हो, क्योंकि आपने इसे लेट होने पे डांटा। बैठ जाओ। उमा उठो, पहले तो तुम लेट आई, ऊपर से बातें करके पूरी क्लास को डिस्टर्ब कर रही हो। बातें ही करनी थी तो कॉलेज में आई क्यों? तुम जैसी लड़कियां कॉलेज में मस्ती करने आती हैं या फिर बॉयफ्रेंड के साथ घूमने के लिए, बस माँ बाप का पैसा बर्बाद करने आते हैं। अगर क्लास में ध्यान नहीं लगता तो निकल जाओ। माफ कीजिएगा मैम। बैठो। अरे कचरा फेंकने में इतना टाइम लगाओगे तो काम कब करोगे? अंकल। हाँ क्या हुआ? आज हमारे कॉलेज का पहला दिन है, आपकी खटखट से हम पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। ये अपना खटखट 2 घंटे बाद शुरू करोगे प्लीज? 2 घंटे बाद? ठीक है थोड़ी देर के लिए रुक जाते हैं। ये बंद करो, बंद करो सब। शुक्रिया अंकल। अरे शुक्रिया कैसा, हमने पढ़ाई नहीं की तो क्या हुआ, तुम लोग तो पढ़ाई कर लो। अरे बंद करो, बंद करो सब। कॉलेज में पढ़ने आए सारे बच्चों को तमीज से रहना सिखाया जाता है, पर जो यहां पर पढ़ाने आए हैं वही खुद बदतमीजी करेंगे तो कैसे चलेगा? आप इसे जानती तक नहीं, फिर भी इसके बारे में कितनी टिप्पणियां थी कि अपने बॉयफ्रेंड के साथ घूमती होगी और माँ बाप के सारे पैसे बर्बाद करती होगी। जरा अपना वक्त याद कीजिए, हर बच्चा यही करता है, स्टूडेंट लाइफ को इसलिए सब मिस करता है। आप भी कॉलेज के दिनों में क्लास बंक करके कहीं ना कहीं घूमने जरूर गई होंगी, आप अपना वक्त इतनी आसानी से कैसे भूल गई? आज आप टीचर हैं पर किसी वक्त आप भी एक स्टूडेंट ही थी, ये मत भूलिए और स्टूडेंट्स की भावनाओं की कदर कीजिए। कल मिलते हैं। सॉरी उमा। शुक्रिया।
भाई तेरे और मेरे नेटवर्क का सिग्नल एक ही टावर से आता है, इसीलिए हम दोनों दोस्त हैं। नहीं नहीं मतलब तुम गुरु मैं चेला है ना। वो तो कह रही थी उसकी कैब की कंपनी इसी किसी गली में ही है। अरे गली में गली, गली में गली, यहाँ तो किलो के हिसाब से गली है, कौन सी सीधी गली में होगी। हर एक गली में आवाज देते है उमा कहीं से तो निकलेगी। अरे देख मिल गया मिल गया, उमा कैब्स, उमा विला। अरे तेरे होते हुए तो जीपीएस भी पानी कम चाय लग रहा है रे। काका अंकल, अरे वाह अंकल अंदर से ही समझ गए कि दो भूखे आए हैं, पेट की आग बुझाने आ रहे हैं। आइए 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 आग बुझाइए, लगता है वास्तु के हिसाब से वहाँ खाना है। काँ, 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 काँ। कौवे को बुला रहे हैं। आपको किससे मिल रहे हैं? अंकल मैं रवि हूँ, उमा की क्लास में ही पढ़ता हूँ। हाँ जिक्र किया था, अभी बुलाता हूँ। बड़ी भूख लगी है, कौवा इतना सारा खा नहीं पाएगा, मैं उसकी थोड़ी मदद कर देता हूँ, एक वड़ा उठा लेता हूँ। एक ही है तो मुझे ही खाना पड़ेगा है। अरे मीनाक्षी वड़ा तुम्हें बड़ा पसंद आया। काका ने काका बोलने वाले कौवे का नाम भी रखा है, लगता है इस बार तुम्हारी आत्मा तृप्त है। ये हमें टुकुर टुकुर क्यों देख रही है? नहीं बे तुझे और बड़े लेकर आऊं? मैंने नहीं खाए हैं, ये भुक्कड़ खा गया। कौवी ने मेरी पोल खोल दी। क्यों रे, मेरी अंतरत बीवी का खाना चुरा लिया? मुझे पता नहीं था फैंसी ड्रेस चल रहा है और आपकी बीवी कभी बन के आई है। नहीं नहीं नहीं, तुमने उसका अनादर किया। सूख रहा है, पानी छोड़, पानी छोड़, अब उसका पानी भी पी गया। अरे पापा क्या हुआ? किस कमबख्त ने तुम्हारी माँ का खाना चुराया? तुम भी ना भुक्कड़, आज मेरी मॉम की बरसी है, उनकी हर बरसी पर मेरे पापा अपने हाथ से खाना बना के कौवे को खिलाते हैं। हमारे लिए वो कौवा नहीं मेरी मॉम है, और तुमने उन्हीं का खाना खा लिया। जाने दो, माफ कर दो इसे। सुनो रवि चलो अंदर। ये लो, उमा ने बताया कि तुम पढ़ाई के खर्चे के लिए ऑटो चलाना चाहते हो। मुझे इसका किराया नहीं चाहिए, बस गाड़ी का ख्याल रखना। सर आप फिक्र मत कीजिए, आज से वो मेरी जिम्मेदारी। हाँ लेकिन मेरी एक शर्त है। ओके, तुम्हें हर रोज सुबह कॉलेज के लिए मुझे पिकअप करना है और फिर घर भी छोड़ना है। ये क्या, यही मालकिन है, कहती है तो करो। ठीक है चलता हूँ। मिठाई किस खुशी में बांट रहे हो? आज मेरा दोस्त ऑटो का पायलट बनेगा। मिठाई तो ऐसे बांट रहे हो जैसे तुम्हारा दोस्त प्लेन उड़ाने वाला हो, चलाएगा तो ऑटो ही। अरे ढीला इंसान, सुन फिलहाल तो वो ऑटो ही चलाने वाला है, लेकिन एक दिन वो बहुत बड़ा पुलिस वाला भी बनेगा। शुभ मुहूर्त चल रहा है भाई, जल्दी से अपनी रिक्शा की पहली किक मार। अरे वो निकल जाएगा। अभी तो उसने ऑटो चालू किया है, मैं फाटक खोलूंगा तभी तो वो जाएगा। वो तो गया। अरे भाई, अरे पैसेंजर को बिठाया बगैर खाली रिक्शा चलाएगा? तू गलत समझ रहा है, तो जिस कॉलेज में वो थे उसी कॉलेज में आया हूँ, उन्हीं की तरह ऑटो चला रहा हूँ। अब नेक काम से पहले उनका आशीर्वाद तो ले लूं। किसका है? देवराज आईपीएस। भाई साहब, सर कब मिलेंगे? कौन? देवराज आईपीएस। अरे उनको तो यहाँ से जाके 6 महीने हो गए। चले गए? कहाँ गए हैं कुछ पता है क्या? दिल्ली या हैदराबाद गए होंगे, सुना है उनका ट्रांसफर हो गया है पुलिस ट्रेनिंग कैंप में। अच्छा। बोलो जाने मन। मैं अभी एक केस के सिलसिले में सिटी कॉलेज आया था, एक मामूली सा मर्डर केस है। पर जानू तुमने तो कहा था कि तुम मेरे साथ लंच करोगे। अरे लंच क्या, मैं तो रात का खाना। यहाँ पर इतना बड़ा हादसा हो गया और सर उसे देखने की बजाय फोन पर अपनी बीवी से बात कर रहे हैं। अरे वो उसकी बीवी नहीं, बाहर वाली है, उसके चक्कर में अपनी घर वाली तक को नहीं देखता। एक मिनट जाने मन, क्या देख रहे हो? कुछ नहीं सर। चलो जगह खाली करो। ये सर ए, चलो चलो। हाँ बोलो जाने मन। चलो चलो ना एक मूवी देखने चलते हैं, कॉर्नर सीट्स। अरे मूवी छोड़ो, हम दोनों साथ में ही वक्त बिताते हैं। मेरे चमचे यहाँ का सारा काम देख लेंगे, मैं यहाँ रुक के क्या करूँगा। जल्दी आना। चलो बाय।
क्या हुआ? शरीर पर कितने घाव है? एक कंधे पर है, एक हाथ पर है और एक पेट के पास। ओए, अपनी गिनती बंद कर, टोटल बता कितने घाव लगे हैं? टोटल 18 घाव है सर। ये लोग एक ही बार में खत्म क्यों नहीं करते, खामखा मेरा काम बढ़ा देते। चलो चलो निकलते हैं यहाँ से, चलिए गाड़ी चालू कर। क्या हुआ भाई? छेला के आदमी कॉलेज में आए और इसे मारकर चले गए। सर, ये हमारे कॉलेज में हुआ, हमें कुछ करना चाहिए। यहाँ खड़े लोग नहीं बोल रहे हैं। मैं नहीं बोल रहा हूँ, तुम क्यों बोल रहे हो? इन सब से दूर ही रहो, जाओ। सर, रवि बिल्कुल सही कह रहा है। तुम लोग तो पढ़ाई करके यहाँ से निकल जाओगे। हाँ। इस कॉलेज में तो हमें रहना है, मुझे मत सिखाओ, निकलो यहाँ से। सर, अब ये क्या? चल मेरे, जाओ सब लोग, चल चलते हैं। तुम लोग भी निकलो, जाओ यहाँ से। क्लासरूम छोड़ ना, तू इन लफड़ों से दूर ही रहे। तू इस शहर में नया है, तुझे कुछ नहीं पता। यहाँ छेला का राज चलता है, वो जब चाहे किसी की भी जान ले सकता है। छेला की चलती है? हाँ। ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि देवराज सर नहीं है। ए, देख के चला। बेटा, अपना मुंह बंद रख। अगर तुम्हें इतना ही डर लग रहा है तो बच्चे को यहाँ पर लाना ही नहीं चाहिए था। ए, तू अपने काम से काम रख। अच्छा हुआ छेला ने सुना नहीं, वरना तुम्हारे बेटे को यहीं काट डालता। चल साइन कर। नहीं, मैं नहीं करूंगा। ये माना कि नहीं? भाई, ये साइन करने से मना कर रहा है। तो सेठ जी, दरअसल मेरी दुकान 1 करोड़ की है और तुम मुझे सिर्फ 30,000 दे रहे हो, ये कहां का न्याय है? देखिए सेठ जी, जब आपको लोन की जरूरत थी तो मैंने आपकी मदद की। बताइए उस मदद के पीछे मेरी वजह क्या थी? मेरा रिश्तेदार लगता है तुम, हाँ? इसलिए दिए थे कि जब मुझे कुछ चाहिए तो तू चुपचाप मुझे दे दे। सेठ जी साइन, तुम गलत कर रहे हो भाई। सेठ जी साइन करो। अगर ऐसा किया तो मैं सड़क पर आ जाऊंगा। बच्चे की तरह जिद क्या कर रहा है साइन करना? कुछ तो रहम करो। चॉकलेट लाके मैं पाव फटता तुम्हारे। साइन कर, कर्ज में डूब जाऊंगा। अब माना? हाँ। भाई, काम हो गया क्या? कब से ये कंगन लेकर घूम रहा हूं, कंगन वाली कब मिलेगी मुझे? अरे बताया क्यों नहीं कि तुम आ रही हो? हा? मैं तुम्हें लेने आ जाता। अब आओ, चलो चलो घर चलो। कौन है आप? मैं कौन हूँ? मुझे पहचाना नहीं? नहीं तो? अब भी नहीं। याद नहीं आ रहा। अरे वही जो स्टेशन पे टकराया था। स्टेशन पे टकराए थे? तुम काचा बादाम नहीं खाती हो क्या? हा? तुम अपनी दादी को ट्रेन में बिठाने आई थी और उससे पहले हम लोग टकरा गए थे, सारा सामान गिर गया था, याद आया? पर उस दिन तो अच्छे कपड़ों में थे और तुम ऑटो ड्राइवर हो? इतना गंदा मुंह बनाओ के ऑटो ड्राइवर क्यों बोल रही हो? ऑटो ड्राइवर में क्या कांटे लगे हुए होते हैं? पता है बड़े बड़े लोग ऑटो चलाते थे, जैसे कि सचिन। वो कहाँ ऑटो चलाते थे? मतलब कि ऑटो में बैठ गई क्रिकेट खेलने जाते थे। आप लोग भी ऑटो पकड़ो, यहाँ बस नहीं आती है। आओ, आओ, बैठो बैठो, जल्दी बैठो। हाय नंदिनी, सुश बोल रही हूँ। हाय सुश, कैसी हो? एक्सक्यूज मी, तुम्हारा नाम सुश है? ये पुश जैसा सुश कैसा नाम है? सुष्मिता। फिर ठीक है, करो करो बात करो। और क्या चल रहा है? मेरा कंगन चोरी हो गया था, मिला क्या? नहीं यार, लेकिन जिसने भी वो लिया है ना, उसे मेरी हाय लगेगी। जब उसे प्यास लगेगी ना, तो उसे कहीं भी पानी नसीब नहीं होगा। और जब उसे जोरों की भूख लगी होगी, उसकी रोटी कुत्ता खा जाएगा। पर वो गंजा अब ऐसे कोई देख रहा है क्या? तुम्हारी शक्ल कितनी अच्छी है और बातें इतनी कड़वी कर रही हो, वो भी 2% के मामूली कंगन के लिए। मामूली?
पूरे 2 तोले का था मेरा कंगन और उसे हाय भी ना दूं। हाँ तो ठीक है ना, जरूरी थोड़ी है कि उसने चोरी किया, हो सकता है उसके पास अपने आप ही आ गया। अरे ऐसे कैसे हो सकता है? अरे कुछ भी हो सकता है, तुमको सब बता के होगा क्या? बेजान चीज के लिए जानदार आदमी को बदुआ दे रही हो। मुझे तो लगता है उसने तुम्हारी निशानी समझ के पास रखा होगा। मेरी निशानी समझ कर? हाँ, रोज सुबह धोता होगा, सुखाता होगा, बहुत प्यार से उसे रखता होगा। सोचो उसका इतना ख्याल रख रहा है तो तुम्हारा कितना रखेगा। वो जो भी हो, पर मेरा कंगन तो खा गया ना वो। सुष्मिता, तुम्हारा कंगन किसी की तिल की गलियों में भटक रहा है और तुम उसे रास्ता नहीं दिखा रही हो। अरे मेरे कंगन को इतना घुमा फिरा क्यों रहे हो? अरे तुम भावनाओं को समझने की कोशिश करो ना, आइंदा उसे बद्दुआ मत देना। हाँ। पक्का प्रॉमिस? हाँ? ओके। बस 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 यही रोक दो। पैसा तो एक ही घर में जाने वाला है, रख लो। क्या मतलब तुम्हारा? मतलब सारे भारतीय एक ही है ना। अरे रखो, यही इस पे खर्च करूंगा। कुछ नहीं, जाओ। घर में कहाँ घुस रहे हो? सोचा तुम्हें अंदर तक छोड़कर आ जाऊं। मुझे अंदर जाने का रास्ता पता है, तुम अपना रास्ता नापो। दादी माँ। अरे तू दादी। आजा आजा, पता दिया था ना और अब मिलने आए हो। अब क्या करूँ दादी, काम ही बहुत था। अरे बेटा कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए। हाँ। चलो अंदर। अरे तू क्यों खड़ी है, अंदर चल। हाँ, शर्माओ मत। आखिर घर में घुस ही गया। पढ़ाई के साथ साथ ऑटो भी चलाते हो, क्या बात है। बैठो बैठो। चुड़ैल की अम्मा, पहली बार मेरे घर आए हो, क्या लोगे, चाय या थोड़ी सी कॉफी लाऊं? नहीं दादी कुछ नहीं। अरे नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं चलेगा, कुछ तो लेना पड़ेगा। अच्छा तो फिर दूध, गाय भैंस किसी का भी चलेगा। ठीक है मैं अभी लेकर आती हूँ। दादी इतना लंबा सफर तय करके मैं आई हूँ और आप है कि इस सांप को दूध पिला रही है। अरे तू बैठा रहे, इससे इतने प्यार से बात कर रही है और मेरी तरफ देखा भी नहीं। तुम भले ही इसे फालतू का आदमी समझो, पर मेरे लिए ये मेरे बेटे जैसा है, समझी तुम? दादी बेटा, तुमने तो मुझे ट्रेन के सफर में अकेला ही छोड़ दिया था। जानती हो मुझे अचानक हार्ट अटैक आया। इस बेचारे ने कितनी मुश्किलों से ट्रेन में एक डॉक्टर ढूंढ निकाला जिसकी वजह से मैं बच गई। इसने दादी की जान बचाई। अब तुम लोग बातें करो, मैं तुम्हारे लिए चॉकलेट दूध लाती हूँ। हाँ तो क्या ख्याल है? अब मतलब आगे की जिंदगी का क्या ख्याल है? शादी करनी है, बॉयफ्रेंड है या ढूंढ रही हो? ओ हेलो, दादी के लिए पूछ रहा हूँ एडवांस में ताकि उनका खर्चा बच जाए। दिमाग खराब है क्या? ये क्या कर रहा है? जुगु 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 जुगु। वो क्या है ना दादी, आजकल लोगों के दिलों में प्यार बहुत ही कम 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 हो गया है, इसीलिए सपने में सबको प्यार बांट रहा था मैं। अरे इतना टेंशन मत लो, ये लो दूध पी लो। दादी ऑटो चलाते हुए मेरे हाथ थोड़े गंदे हो गए। अरे तो क्या हुआ, वो रहा वॉश बेसिन, जा करके हाथ धो लो। ठीक है मैं भी धो लेता हूँ, ये लो। रवि फोन आ रहा है। स्पीकर फोन ऑन कर दो ना। वो कैसे करते हैं? रुको मैं करता हूँ। हेलो रवि, गोलू बोल रहा हूँ। गोलू बोल यार, पहुंच गया। फ्रेंडशिप वाला फ्रेंड भूल गया क्या? यार ऑटो और कॉलेज के बीच में मुझे वक्त ही नहीं मिला। अरे सुन ना, वो ट्रेन वाली लड़की मिली क्या? अरे वही हा? लड़की जो प्लेटफॉर्म में तुझसे टकरा गई थी, जिसके साथ सपने देख के तुमने शादी कर ली और बच्चे भी पैदा कर लिए। सुनने दो, ये क्या बक रहा है, किसकी शादी? हा? वो क्या फोन बहुत देखता ना, इसलिए बहकी बहकी बातें कर रहा है। तेरी भाभी ने तो मन्नत भी मांग ली है कि अगर तेरी उस लड़की से शादी हो गई तो यहाँ पर वो गरीबों को खाना खिलाएगी, लेकिन मेरी कड़की चल रही है इसलिए जल्दी से वो कंगन भेज ताकि उसको बेच कर कुछ चुका। दादी ये कंगन जिसके हाथ में था उसके हाथ से खिसक के मेरे हाथ में आ गया था, अब ये वापस ले लीजिए प्लीज, वरना ये बहुत मारेगी। अगर मेरी नियत में खोट होती तो कब का इसे बेच दिया होता, पर मैंने संभाल के रखा अपने दिल की आड़ी टेढ़ी गलियों में, मतलब कि अपनी जेब में रखा। ये लीजिए, भूल चूक माफ। ऑटो चाहिए हो तो बताना। ठीक है। आप भी हैं? अरे रवि सुनो। हा? दादी कंगन तो दे दिया, अब कुछ नहीं है मेरे पास। कंगन तो तूने दे दिया, अब ग्लास भी देता जा। सॉरी।
नमस्ते। या सेठ, सोने का दाम भले ही ऊंचा हो लेकिन अपना धंधा कभी मंदा नहीं जाता। आइए बैठिए ना। मैंने किराया तो भेज दिया था, मिला नहीं क्या? मिला था लेकिन सोचा फेस टू फेस मीटिंग कर लो। अरे ये क्या, मैंने तो सुना था कि यहाँ पे 10% डिस्काउंट चल रहा है, पर ये लोग बोल रहे आज तो कोई भी डिस्काउंट नहीं है। वो स्कीम तो पिछले हफ्ते, आज आपके लिए 50% डिस्काउंट। इतना डिस्काउंट? ये ऑफर सिर्फ आप जैसों के लिए ऑन है। दीजिए मैं पैक कर देता हूँ, दीजिए ना। चलो निकलते हैं। किससे मिलना है? वेदांत जी यहीं रहते हैं ना? सुनो, तुमसे मिलने कुछ लोग आए हैं। कौन आया है? आप कौन? जरा मेरे लिए पानी लेकर आइए। मुझसे क्यों मिलना है? तुम्हारे पास 4 गाड़ियां 3 लॉरियां और 2 ऑटो हैं, है ना? हाँ है तो, लेकिन तुम क्यों पूछ रहे हो? तो 6 महीने से इंस्टॉलमेंट क्यों नहीं भरी? लेकिन तुम्हें उससे क्या मतलब? मेरी मर्जी, मैं भरूं या ना भरूं। हेलो, हाँ एक मिनट बात कर। हाँ साहब, मैंने पिछले महीने तो आपको पैसे दिए थे। मेरा हिसाब अलग है, ये लोग जो मांग रहे हैं चुपचाप दे दो। फोन। अपना भाई एकदम बच्चे जैसा है और अभी उनको एक नया खिलौना पसंद आया है, पता है वो क्या है? तेरी बीवी यार। ए, क्या बकवास कर रहे हो, तुम्हारी इतनी हिम्मत? आराम से बैठ बैठ बैठ। भाई का मन बहुत चंचल है, एक बार खिलौने से मन भर गया तो उसे छोड़ भी देते हैं। मैं तुम में से किसी को नहीं छोड़ूंगा। मैं प्यार से समझाया तो बात तेरे भेजे में नहीं घुसी, अब गोली घुसेगी। नहीं। कॉलेज से पहले भी काम, कॉलेज के बाद भी काम। तुमसे एक सवाल पूछूं क्या? सवाल? हाँ पूछो। क्या तुमने कभी किसी से प्यार किया है, लव? अरे ये इश्क वाला लव तो मुझे कब से हो रखा है। बड़े छुपे रुस्तमों कभी बताया ही नहीं। कौन है वो लड़की, दिखती कैसी है? तुमने कभी कोई परी देखी है? अरे अप्सरा। नहीं तो? मैंने देखी है, बिल्कुल परी जैसी लगती है। यहाँ क्यों रोक दी? मैं जिस परी की बात कर रहा था लगता है कि वो तकलीफ में है। वो देखो वहाँ खड़ी है। कहाँ है? कौन सी वाली? ब्लू ड्रेस में देखो, खूबसूरत है ना? तुम्हें पक्का यकीन है कि ये तुमसे पटेगी? देखो मुझे एक जरूरी काम याद आ गया, तुम दूसरा ऑटो पकड़ लो। ए, 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 भूलो मत, इस ऑटो की मालकिन मैं हूँ। मालकिन साहिबा प्लीज एक मेहरबानी कर दो, परी के पास जाने दो, गरीब का भला हो जाएगा। ठीक है, ओके, नो प्रॉब्लम। दादी। हाँ? अरे रवि, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं भी तो यही पूछ रहा हूँ, ये लोग परेशान कर रहे हैं क्या? अभी दिखाता हूँ। हेलो, पुलिस में मेरी पहचान है? हम लोग यहाँ एक चोरी की कंप्लेन करवाने आए थे। दादी। हाँ? कहा था ना कंगन चोरी नहीं किया, फिसल के हाथ अरे में आ गया। नहीं था। बेटा हम कंगन के लिए नहीं आए। हाँ? इसका स्कूटर चोरी हो गया। हाँ? था, उसी की कंप्लेन लिखवाई। ओ, स्कूटर चोरी हो गया? इतनी बड़ी चीज चोरी हो गई, तुम्हें पता कैसे नहीं चला? तुम्हारा आजकल ध्यान कहाँ पर रहता है? तुम ज्यादा फिक्र मत करो, हमने कंप्लेन लिखवा दी है, वो लोग ढूंढ निकालेंगे। अपने ऑटो में हमें घर छोड़ देना। हाँ हाँ, मैं बस अभी मीटर अप करके लाया। दादी आप भी ना, इसे जाने दो। अरे चल ना। अरे आज इतना ट्रैफिक क्यों है? दादी अभी जाम खोल के आता हूँ। अरे रुको रुको रुको, हॉर्न बजाना बंद करो। तुम लोग इधर से निकलो, चलो काटो काटो। ये रुक, तू इधर आ, इधर आ, इधर आ। चल चल निकल उस तरफ से, उस तरफ से। हॉर्न क्यों मार रहा है? हॉर्न बजाने से गाड़ी हटेगी क्या? ए ब्रेक मार, रोक रोक रोक, तो निकल निकल निकल, राइट मार, राइट मार, देखा तुमने? अरे मेरे भाई तेरी जा जल्दी में, ये पिक्चर छूट रही है। ठीक है जा जा, इंटरवल में पहुंचेगा। हाँ ठीक है। ये तो किसी ट्रैफिक पुलिस की तरह काम कर रहा है। ए यहाँ मेला लगा है क्या? चलो हटो, चलो निकलो यहाँ से, चल।
ले आया क्या? हाँ भाई, आपका खिलौना आ गया। मैं भी आ ही रहा हूँ। हाँ निकल निकल, इधर से इधर से, तू निकल। हाँ चल चल चल। अरे अरे रुकना भाई, इतना नहीं आगे जाम लगा हुआ है, कैसे निकलेगा? इसकी तो शाम बनता है, और फिर इसको पता था। अरे छोड़ो भाई, ट्रैफिक बहुत है, जाने दो ना। रुको। हाँ अभी खाली है, निकल निकल निकल, जल्दी निकल। क्या देख रहा है, निकलना ये। चल चल। सुष्मिता मैं तो कहती हूँ ये लड़का बहुत ही होशियार है। देखा दादी? बहुत अच्छे, तुमने तो चुटकी बजा के सारा ट्रैफिक क्लियर कर दिया। अरे बस एक बार पुलिस वाला बन जाओ, फिर इस पूरे शहर से जुर्म भी साफ कर दूंगा। कौन था वो? कौन भाई? अरे भाई जो सिग्नल पर आरटीओ ऑफिसर बन रहा था। गाड़ी घुमा, चल चल चल, चल जल्दी चल। अरे छोड़ो ना भाई, अब कैसे ढूंढेंगे उसे? उसने पीले रंग की पट्टी बांधी थी ना। मैंने अपनी गाड़ी अभी लगाई है, मैं नहीं जानता वो कौन है। झूठ बोल रहा है, कोना कोना छान मारो, बच के नहीं जाना चाहिए। चलो अब तो खुश, रात भर भटकाऊं तब जाके ये मिली है मुझे। अब तो मानती हो ना, पुलिस वाले सारे गुण है मुझ में। राउंड मार के देख लो चल रही है कि नहीं। तो दादी मैं चलता हूँ। ठीक है पर मिलने आते रहना, ठीक है? अरे गैस पर सब्जी छोड़ कर आई हूँ, जल जाएगी। चलो मैं चलता हूँ। जाओ। इतनी बड़ी स्कूटी ढूंढ के दी और बदले में मुझे कुछ नहीं दोगी? मैं अभी छुट्टा लेकर आती हूँ। छुट्टा? मैं क्या तुमसे चंदा मांगने आया हूँ? कुछ और प्यार से दो, कुछ और। कुछ और? ऐसा कुछ जो अंदर से महसूस हो रहा हो, अंदर से। अंदर? पेट से? करो करो, महसूस करो, होगा होगा, करो करो करो। हाँ मैं समझ गई। थैंक यू। लो, ये महसूस किया तुमने? शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। ये भी काफी है, हफ्ते भर तक हाथ नहीं धोऊंगा। बाय बाय। अरे स्कूटी देखकर तो पागल हो गई, दौड़ती हुई आई, गले लगा लिया और चूम लिया। मजा आया होगा ना? अबे स्कूटी को छी। पर उसके बाद मेरी किस्मत चमकी, क्योंकि फिर उसने मेरा हाथ थामा और शुक्रिया शुक्रिया की रट लगाए रखी। चल प्यार का थोड़ा खाता तो खुला। एक रुमाल वापस करने पर लड़कियां फ्रेंडशिप कर लेती हैं, लेकिन तूने 100 किलो की स्कूटी ढूंढ के दी। अब देख पहले वो यहाँ आएगी, तुझसे दोस्ती करेगी और फिर प्यार के गीत गाएगी। नाम लिया और वो आंखों के सामने आ गई। अब वो तेरे पास आके दोस्ती का एग्रीमेंट साइन करेगी ही, फिर वो एग्रीमेंट बदल जाएगा प्यार इश्क मोहब्बत में। अरे हीरो, नैनो की तीर मत मार, हीरोगिरी दिखा। ऐसे बहुत अच्छे, रोज शाम को मिलना, हीरोगिरी सिखाऊंगा। एक घंटे का बोलो क्या बात है? निकल गया? तुम जरा साइड में आ सकते हो? मेरे रोकने से तो रुकने वाला थोड़ी है, चल जा निकल। आराम से। पता नहीं मेरी क्लासेस के बिना क्या प्यार करेगा। वहाँ चलते हैं, वहाँ पे आराम से बातें हो सकती हैं। कहो ना। बात यह है कि कुछ बोलो ना, वरना बाद में कहोगी कि लड़के ने गलत मतलब निकाल लिया है, इसलिए जो है खुद ही बता दो। समझ में नहीं आता मैं ये कहूँ कैसे। अरे जहाँ से सब शुरू करते हैं वहीं से तुम भी कर दो, बोलो। वो एक्चुअली बात ये है कि अब बात दिमाग में तो आ ही गई है, तो उसे ज़बान तक ले आओ ना। अच्छा तो सुनो, वहाँ मेरी दोस्त बैठी है।
तो क्या कर उठा दूं क्या? उसका नाम गीता है। वो गीता हो सीता हो मुझे क्यों बता रही हो तुम? मैं क्या करूं? वो क्या है ना बोलो बोलो। बात बड़ी नहीं है, बस छोटी सी बातें, पर उसकी स्कूटी भी चोरी हो गई है। तुम ढूंढ के दोगे प्लीज? मैं उससे कह दूंगी, वो भी मेरी तरह तुम्हें 3 बार थैंक यू कह देगी। तुम यहाँ उसकी स्कूटी ढूंढवाने आई हो? ये बोलने के लिए इतना शर्मा रही थी? इसके अलावा तुम्हें कुछ नहीं कहना? ओ, तुझे गीला गीला नहीं लगता क्या? क्यों? वो देख, पाइप फट गया। देख कितना पानी का नुकसान हो रहा है। सॉरी। आजकल के बच्चे भी। मैंने तो कितने सपने सजा लिए थे, मुझे लगा था कुछ और बोलोगी। क्या लगा था तुम्हें? हाय रवि। अच्छी दोस्त है उमा। तो अपनी परी को तुम हमारे कॉलेज भी ले आए? क्या कहा, परी? और क्या, इसने तो तुम्हें जब से देखा है तुम्हारा दीवाना हो गया है। दिन रात मेरे साथ तुम्हारी बातें करता रहता है। प्यार हो गया इसे तुमसे? प्यार हो गया है? परी पंख लगा के कहाँ उड़ गई? अरे पगली है। सॉरी, कुछ ज्यादा ही बोल दिया। अब सॉरी का अचार डालूं क्या मैं? कुछ और बात करने आई थी, तुमने बात कहीं और पहुंचा दी। तुमने तो कहा था पट जाएगी। पट जाती अगर बीच में तुम नहीं टपकती। अब तो चांस गया। पूरा चांस है, उसका हाले दिल मैं पूरी तरह समझ चुकी हूँ। मदद तो सिर्फ एक बहाना था, वो तो तुमसे मिलने यहाँ पर आई थी। ये क्या कह रही हो? यकीन नहीं होता तो देख लेना, वो अभी पलट कर देखेगी। पलटने का मतलब? मतलब वो भी तुमसे प्यार करती है। प्यार करती है। समझ गए ना? जी अंकल। सब ठीक? उमा 2 दिन से कॉलेज क्यों नहीं आ रही है? वो गांव चली गई। गांव चली गई? लेकिन गर्मियों की छुट्टियां तो अब तक शुरू नहीं हुई। कुछ जरूरी काम आ गया था। गाड़ियां भी गांव गई हैं क्या? सर्विस सेंटर भेजा है। मतलब कि ऑटो भी वहीं पर होगा, तो मैं लेते हुए आऊंगा। देखो अब बस भी करो, अब तुम्हें ऑटो नहीं मिलेगा। पर अंकल ऐसे अचानक आप मुझसे ऑटो क्यों चाहिए? क्योंकि मैं सारी गाड़ियां बेच रहा हूँ। हो गया? सारी गाड़ियां? लेकिन क्यों? क्योंकि कर्जा बहुत हो गया था, मैं भर नहीं पा रहा था। अब ज्यादा सवाल ना पूछो और निकलो। हो ना हो, आप मुझसे कोई ना कोई बात छुपा रहे हैं। चलता हूँ। आपने कहा उमा गाँव चली गई है, पर वो तो गई नहीं। गई नहीं है तो चली जाएगी, तुम्हें इससे क्या? अब क्या खड़े हो यहाँ पर, निकलो यहाँ से। एक सेकंड, जा रहा हूँ। रुको अंकल, उमा मेरी दोस्त भी है, 2 मिनट बात करने दीजिए, फिर चला जाऊंगा। उमा अंकल को छुपा रहे हैं, तुम ही बताओ बात क्या है। उमा क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो, बताओ मुझे। वो क्या बताएगी, इसे तो ये भी नहीं मालूम कि किससे क्या कहना है, बिना सोचे कुछ भी करती है। उमा मुझे बताओ बात क्या है। उमा बताओ क्या हुआ। चंदा दीजिए सर। शुक्रिया। एक्सक्यूज मी सर, चंदा दीजिए प्लीज। ये गरीब और अनाथ बच्चों के लिए है। देता हूँ, देता हूँ। कॉलेज में पढ़ती हो? जी सर। ओ सर चंदा। चिल्ला, तुम गाड़ियों के बारे में जानना चाहते थे ना? चिल्ला के आदमी सारी गाड़ियां उठा ले गए और बोल रहे हैं उमा को भेज दो अगर गाड़ियां चाहिए तो। अब बोलो, इज्जत गवा दूं? पुलिस में कंप्लेंट लिखाई। जो अभी यहाँ से गया है ना, वो भी पुलिस वाला ही था। कंप्लेंट लिखने की जगह मुझे ही धमकी देकर गया है। वो भी चाहता है कि मैं छिल्ला की बात मान लूं और अपनी बेटी को उसको सौंप दूं। मैं इसका बाप हूँ क्या? यही देखने के लिए मैंने इसे जन्म दिया था। 40 साल से मैं इस घर में सुकून से रह रहा था और अब ये घर भी बेच दिया। इसके लिए अच्छा यही होगा गाँव चली जाए। एक जवान बेटी का बाप होने की फिक्र कोई नहीं जान सकता। बिना माँ के मैंने इसे कैसे पाला, ये मैं जानता हूँ, तुम क्या जानो।
अब तो मेरा विश्वास सबसे उठ गया है। इस शहर में इतने जुल्म हो रहे हैं, फिर भी सब मौन रहकर सिर्फ तमाशा देख रहे हैं। कहां ले जा रहे हैं उसे? उस छेल्ला को उसकी औकात दिखा। दिमाग खराब हो गया है? उसने सिर्फ आपकी बेटी पर नहीं, मेरी बहन पर भी हाथ डाला है। क्यों रोका रवि? तेरा ऑटो चाहिए। क्यों? बस उतार। लड़की के बाप ने लड़की को ऑटो वाले के साथ भेजा है। उसे चाबियां पकड़ा और लड़की को पकड़ के ले आ।
क्यों बे, शहर की सारी लड़कियों को तू अपने बाप की जागीर समझता है? आज तुझे औरत की इज्जत करना सिखाता हूँ। तूने उनको अकेला समझने की बहुत बड़ी गलती कर दी। अरे छोड़ो मुझे, कौन हो तुम लोग? छोड़ो मुझे। जानते हो ये क्या है? पाउडर नहीं है, ब्राउन 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 शुगर है ये। कौन कौन मिला है उसके साथ? तू है या तू है? जो भी उस लड़के के साथ मिला हुआ उसको जीप में डालो और चलो। आप बिना वारंट के मेरे स्टूडेंट को कैसे गिरफ्तार कर सकते हैं? आपका ये होनहार स्टूडेंट कॉलेज में दिन दहाड़े ड्रग्स का धंधा करता है। सर आप उस पर झूठा इल्जाम लगा रहे हो। ये ड्रग्स का पैकेट आपके कॉलेज से बरामद हुआ है, ये अगर पता चला तो सब कुछ खत्म। कॉलेज बंद नहीं करवानी ना, तो इसे दूर रहो। ऐसे लड़कों के लिए तो जेल ही सही जगह है। चलो चिल्ला से पंगा लेगा तेरी तो। जाने मन, मैं तो अभी तुम्हें ही फोन करने वाला था। दोपहर को आने वाले थे, अब तो रात हो गई। अरे कहते हैं इंतजार का फल बहुत मीठा होता है, और थोड़ा इंतजार है। सारा मूड खराब कर दिया। क्या करूं? अरे ड्रग्स का केस है, उसमें उलझ गया हूँ मैं। ओके जानू, बाय बाय। क्या है? कुछ नहीं सर। FIR लिख। ओके जाने मन, बाय। लाइ इधर, मेरी हैंडराइटिंग अच्छी है। सर रवि ऐसा नहीं कर सकता, वो तो ऑटो चला के पसीने की कमाई खाता है। अच्छा तू उसकी क्लास में? हाँ। दरवाजा बंद कर। उसके रूम से ड्रग्स का पैकेट मिला, 24 घंटों में उसे कोर्ट में पेश करना होगा। सर वो पुलिस इंस्पेक्टर बनना चाहता है, इसीलिए रात दिन मेहनत करके पैसे जमा कर रहा है। अरे वाह, पुलिस वाला बनना। हाँ, सच कह रहा हूँ सर। तब तो रवि पे केस बनना ही चाहिए। चल निकल यहाँ सर, चल निकल, चल बाहर, चल। सर प्लीज 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 निकल। सर वो ऐसा लड़का नहीं है सर। सर एक मुजरिम भागने की फिराक में है। पकड़ो इसे। ड्रग्स के केस में फंसाया है। कहाँ है रवि? अरे 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 कौन हो तुम, अंदर कैसे चली आई? वो रवि से मिला। उससे नहीं मिल सकती, तुम जाओ। अरे तुझे क्या प्रॉब्लम है, मिलने देना लड़की को उससे। अरे पांडे साहब बेकार में चीख पुकार मचाएंगे। रवि रवि अपनी आंखें खोलो। रवि कौन है तू? अरे इसे अंदर किसने आने दिया? आखिर इसने किया क्या जो आपने इसे इस तरह से मारा? होती कौन है सवाल करने वाली, अगर ज्यादा मजमच किया ना तो उन लड़कियों की तरह प्रोस्टिट्यूशन का चार्ज लगा दूंगा तुझ पर भी। चल जा। चलो बेटी तुम बाहर चलो। रवि चलो, चलो निकाल, तुम बाहर चलो। निकाल निकाल, छोड़ो मुझे। देखो अब उसका कुछ नहीं हो सकता, उसे किसी दूसरे केस में फंसा दिया गया है। उसका बचना नामुमकिन है क्योंकि इंस्पेक्टर उसका फेक एनकाउंटर करने वाला है। इस साजिश में बड़े बड़े लोगों का हाथ है, जल्दी से कुछ करो वरना मारा जाएगा। कैसे बाहर निकाले रवि को? मैंने उसे कहा था छेला के लफड़े में मत पड़ना, लेकिन वो माना नहीं।
अब तो सिर्फ देवराज ही उसकी मदद कर सकता है। ये देवराज कौन है? वो एक आईपीएस ऑफिसर हैं। रवि उनको अपना गुरु मानता है, वही रवि को बचा सकते हैं। तो चलो ना उनसे बात करते हैं। शायद उनका ट्रांसफर हो गया है, हम उनके घर जा चुके हैं। प्लीज एक बार कोशिश तो करके देखते। कोई फायदा नहीं होगा। चलो ना। वो कब के जा चुके हैं। तो रवि को कैसे बचाए? पता नहीं। तुम देवराज जी से क्यों मिलना चाहती हो? मैं इनकी मदद चाहती हूँ एक बेगुनाह को बचाने के लिए। देवराज जी कहीं नहीं गए हैं, वो इसी शहर में हैं। वो कमला नगर में रहते हैं। शायद यही उनका घर है। रुको, अरे मेरी बात सुनो। ए, अंदर कहाँ जा रहे हो? देवराज सर से मिल रहे हैं। तुम उनसे नहीं मिल सकते। किसी की जान का सवाल है। वो अब इस घर में नहीं रहते। जाओ यहाँ से। जाओ ना, चलो भागो। अंदर कैसे आ गई? क्या क्या आप ही देवराज हैं? काम बोलो। मेरे एक दोस्त को पुलिस ने बिना वजह लॉकअप में डाल दिया है और मुझे पता चला है कि वो उसे कहीं ले जाकर उसका एनकाउंटर कर देंगे। तो यहाँ क्यों आई हो? क्योंकि एक आप ही हैं जो उसे बचा सकते हैं, वरना उसका फ्यूचर बर्बाद हो जाएगा। सर मैं हाथ छोड़ती हूँ। छेला के खिलाफ कोई नहीं जाता, वो बहुत ही ताकतवर आदमी। सर आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? रवि की जिंदगी का तो बस एक ही ख्वाब है कि वो एक दिन आप जैसा पुलिस वाला बने। आप ही उसके गुरु हैं। प्लीज प्लीज उसकी मदद कर दीजिए सर। उसने अपनी मौत को दावत दी है। नहीं, क्योंकि उसने गलत आदमी से पंगा ले लिया है, वो उसी लायक है। जाओ यहाँ से। बस कीजिए सर, आप भी ऐसा कहेंगे तो मैं कहाँ जाऊँगी? हेलो काका जी, मालिक भगाओ इस लड़की को यहाँ से। सर सर प्लीज सर, इतनी बार का यहाँ कोई अनजान इंसान नहीं आना चाहिए। इनसे कहीं ना कहीं मैं नहीं चाहता। मना किया था ना, छोड़ो बाहर निकलो। ऐसे क्या समझते हैं आप? आपकी वो इतनी इज्जत करता है और एक आप है कि आपको उसके बिल्कुल भी परवाह नहीं है। सुनना नहीं, चलो, ये ठीक नहीं कर रहे हैं आप। चलो, आप चलो, बच जाएंगे। मैं सच कह रही हूँ, आप ठीक नहीं कर रहे हैं। चिल्लाना बंद करो। छोड़िए मुझे। अरे क्या? आपका जमीन मर चुका है। करो। मर चुका है। चलो, चलो बात। दोबारा दिखना नहीं है। छोड़ो मुझे। रवि, मैं देवराज सर से मिलने गई थी, पर वो वैसे नहीं है जैसे तुम उनके बारे में सोचते हो। मैंने उनसे मदद मांगी पर उन्होंने साफ मना कर दिया। अब क्या करेंगे रवि? आओ चलो चलो, तुम बाहर चलो, आ जाओ रवि। जल्दी से लॉकअप खोल। सर you
अरे अब तू भी आ गया। तुझे पता है ना पुलिस तेरी जान के पीछे पड़ी हुई है। जल्द ही तू पकड़ा जाएगा और तेरा एनकाउंटर कर दिया जाएगा। तेरा बचना नामुमकिन है। जा यहां से। मैं मौत से कभी नहीं डरा। बच्चे बचपन से डॉक्टर या पायलट बनना चाहते हैं, पर मैं आईपीएस देवराज बनना चाहता था। सबसे मैं लड़ता रहा कि आप जैसा ईमानदार इंसान दुनिया में कोई नहीं, पर आज तुम्हारा असली चेहरा देखकर मुझे घृणा आ रही है। हाँ, स्वार्थी हूँ तो क्या। जिस देवराज को मैं जानता हूँ वो ऐसा नहीं था। वो तो इंसाफ के खातिर अपनी जान की भी परवाह नहीं करते थे। तुम्हारा पर्दाफाश मैं करके रहूंगा। रुक क्यों गया? तेरे सिर पे गोली मारने वाले ऑफिसर्स को देखकर चौंक गया? ये दोनों मेरे ही बंदे हैं और मेरे लिए काम करते हैं। शूटिंग गोल्ड मेडलिस्ट हैं ये। तुम सिर्फ इसलिए बच गए क्योंकि ये तुम्हें नहीं मारना चाहते। मेरे ऑर्डर पर, देवराज के ऑर्डर पर, एनकाउंटर स्पेशलिस्ट। अब तक 56 से ज्यादा एनकाउंटर किए हैं मैंने। गुंडे कांपते थे मुझसे। गरीबों का मसीहा था। पूरे शहर में मेरा नाम गूंजता था। दहशत का दूसरा नाम देवराज, देवराज, देवराज। लेकिन आज सब मिट्टी में मिल गया। मेरा नाम और शौहरत छीन लिया गया मुझसे। जानते हो क्यों हुआ ऐसा? उसे खत्म कर देना ही बेहतर है। मार मुझे। दरवाजा खोलो। क्या कहा था तूने कि शहर से जुर्म का नामो निशान मिटा देगा? जुर्म तो होगा पर तू उसे देखेगा नहीं क्योंकि तू इस लायक ही नहीं रहेगा। तेरी वो ताकत हम छीन लेंगे। ए आंखें खोलो इसके। आज मैं इनकी तस्वीर तक नहीं देख सकता। मेरी जिंदगी में अंधेरा भर दिया। मेरे परिवार को आग में झोंक दिया। लेकिन ये देवराज कुछ नहीं कर पाया। तुम्हें भी इसी मोड़ से गुजरना पड़ेगा। सुना, तू एक पुलिस वाला बनना चाहता है ना? लेकिन उसके लिए क्या कीमत चुकानी पड़ती है ये तू नहीं जानता। जा यहां से और पुलिस वाला बनने का ख्वाब छोड़ दे। जा यहां से। बेटे यहां से चले जाओ। तेरे बीवी बच्चों ने क्या बिगाड़ा था किसी का? क्यों मार दिया उन लोगों को? जाओ बेटा। कहाँ है वो? कौन? कौन? तुम अच्छी तरह जानती हो मैं किसकी बात कर रहा हूँ। फौरन बता दो कहाँ छुपाया है। नहीं जानती। उसके कपड़े यहाँ पर कैसे आए? अब बोल कहाँ छुपाया है। कहाँ छुपाया है उसे? क्या हुआ रे, मिला वो? सर पूरे घर की तलाशी ली पर वो नहीं मिला। इधर आओ। एक काम ढंग से नहीं कर सकते? जाओ फिर से अच्छी तरह से छान मारो। जाओ। आज वो नहीं बचेगा। तू अब भी मरा नहीं। क्या बात है? इसी ने छेला भाई को मारा था। लगता है ये खुद को हमारे हवाले करने आया है। मुझे पता चला कि कॉलेज की एक लड़के ने मेरे बेटे पर हाथ उठाया है तो वो तू है। उस वक्त मैं यहाँ नहीं था। उसे अस्पताल में देखने के बाद ही मुझे पता चला कॉलेज का कोई ऐरा गहरा लड़का मेरे बच्चे को इस तरह नहीं मार सकता। वो तुझ जैसा कोई जुनूनी ही कर सकता है।
और मैंने सुना कि तेरा ख्वाब एक ऐसा जुनूनी इंस्पेक्टर बनने का है जो जुर्म का सफाया कर दे। कोई ऐसा वैसा इंस्पेक्टर नहीं, बल्कि देवराज की तरह बहादुर और काबिल। तू जानता है उस देवराज की हालत मैंने ही बिगाड़ी थी। मुझे लगा तू कहीं छिप कर बैठा होगा, लेकिन तू तो मेरे सामने आ गया। काफी बहादुर है तू। आज तक मैंने किसी से इतनी देर तक बात नहीं की। 9 से 9 मैं बहुत बिजी रहता हूँ, सांस लेने की भी फुर्सत नहीं होती। चल गाड़ी में बात करते हैं। मैं तो तुझे जान गया हूं, अब तू भी मुझे जान ले। वेदनायगम टी स्टॉल मेरी ही दुकान है। 10 साल की उम्र में मैं यहां पर काम किया करता था। एक दिन मेरे हाथ से एक ग्लास टूट गया तो मेरे मालिक ने मुझे थप्पड़ मारा, तो मैंने वही टूटा हुआ ग्लास उसके पेट में घुसा दिया। मर गया वो। मुझे 6 साल के लिए चिल्ड्रन होम भेज दिया गया। छूटने के बाद मैं सबसे पहले यहीं इस दुकान पर आया अपना इंतकाम लेने के लिए। बॉस का बेटा कैशियर की कुर्सी पर बैठा था, मुझे देखते ही वो मेरे कदमों पर आकर गिर गया। फिर उसने मुझे सलाम किया, उसकी आंखों में खौफ था। वो भाग गया यहां से। उसके बाद वो कभी भी यहां वापस नहीं आया। यहाँ की ज्यादातर दुकानें मेरी ही हैं। सबको डरा कर मैंने दुकानें अपने नाम कर ली, वीएन ज्वेलर्स, वीएन चिट फंड, वीएन कंस्ट्रक्शंस। और हाँ, ये दुनिया के लोग हर वक्त डरने के लिए तैयार रहते हैं, बस जरूरत होती है एक डराने वाले की, और वो मैं हूं, विनाश राव। विनाश से पैदा होता है खौफ। नमस्ते भाई। नमस्ते, सब ठीक है ना? हाँ हाँ। तुझे क्या लगता है मैं यहाँ इन सब का हाल जानने आया हूँ? इस जगह की कीमत 600 करोड़ है और अगले हफ्ते ही मैं इसका मालिक बनने वाला हूँ। यहाँ बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाई जाएंगी। नमस्ते भैया। नमस्ते नमस्ते, कैसी हैं आप? बस आपका रहम है। ये लोग कुछ नहीं कर सकते क्योंकि खौफ, विनाश राव का खौफ। ये जंगल है और यहाँ जिंदा रहने के लिए दूसरों को मारना पड़ता है। मैं भी कभी इतना शरीफ था कि एक चींटी को नहीं मार सकता था, पर अब कहानी बदल चुकी है। अब मैं जो चाहूं वो कर सकता हूं। मैं लोमड़ी को, चीते को, हाथी को, शेर को, सबको आसानी से मार सकता हूं। बाएं हाथ का खेल है मेरा, जानता है क्यों? क्योंकि मैं यहां का राजा हूं। ये दिखने में तो मिनरल वाटर ही लगता है, प्योर स्पिरिट है ये बात सब जानते हैं, लेकिन कोई कुछ कर नहीं सकता। इसकी वजह है विनाश राव का खौफ। मेरे बेटे पर हाथ उठाने के लिए मैं तुझे माफ नहीं करूंगा, लेकिन एक मौका दे सकता हूं। जिंदगी भर तुम मेरी गुलामी करोगे, मेरे कदमों में रहोगे। ए, इसे सही सलामत इसके घर तक छोड़ दो, जा सकते हो। विनाश राव के खिलाफ कोई नहीं जाता, किसी में इतनी हिम्मत नहीं है। इस ट्रक में स्पिरिट है ये सब जानते हैं, पर किसी की मजाल नहीं है जो इस ट्रक को रोक सके। एक पुलिस वाले ने कोशिश की थी, उसे ट्रक से ही उड़ा दिया। मैं आता हूँ। अरे भाई साहब सुनो। हाँ? एक फोन करने दो ना। हाँ ठीक है, कर लो। हाँ बात कर ली। वैसे तुम्हें जाना कहाँ है? पुलिस स्टेशन। पुलिस स्टेशन? अब स्मगलिंग का ट्रक लेकर तो पुलिस स्टेशन ही जाऊंगा ना। मेरा बहुत नुकसान हो गया साहब। मुझे ये सब पता के कुछ फायदा नहीं होगा। चल निकल। मैं आपके पैर पड़ता हूँ साहब। मेरी बात मानिए, ऐसा मत कीजिए साहब। अरे देखो तो कौन पधारा है। इसकी किस्मत अच्छी है कि उस दिन मेरी गोली से बच गया ये। अब विनाश राव से मिलके मुझे रौब दिखाने आया है यहाँ पर। अब क्या, अब उसकी शिकायत करने आया है यहाँ पर? शिकायत लिखेगा कौन? तुम ही लिखोगे। ए, क्या मतलब? ए, ये तो जेम्स है ना? सही पहचाना। ये यहाँ कैसे? ट्रक भर के स्पिरिट की स्मगलिंग कर रहा था, इसलिए मैं पकड़ के पुलिस स्टेशन ले आया। रंगे हाथों पकड़ा है, ट्रक बाहर ही है, जाके देख लो।
अब तो कंप्लेन लिखोगे ना? ए, तुझे तो मैं यही ठोक दूंगा। अरे शांत शांत, बीपी हाई मत कर वरना पुलिस स्टेशन में निकल लेगा। फोन उठा, मजा आएगा, जल्दी। मेरे जाने मन को किसी ने अगवा कर लिया है। हाँ, अब तेरी जान अटकी ना, अब मन के मुताबिक कोई काम नहीं कर पाएगा। अगर चाहता है वो सही सलामत घर पहुँचे तो चुपचाप कंप्लेन लिख ले और ड्राइवर को अंदर डाल दे। ए! तुम्हारे कितने आदमी होंगे वहाँ? 6-6 मुस्टंडे। साहब, भाभी जी के बारे में भी सोचो, 6 माली और 1 फूल, कोई ऊंच नीच हो गई तो, मतलब गला भी काट सकते हैं उनका। फायर लिख जल्दी से। जी सर, बोलिए क्या लिखना है। आप लिखेंगे? विनाश राव की शिकायत कैसे लिखूं? पेन निकाल, बताता हूँ कैसे। विनाश राव की फैक्ट्री से निकले ट्रक में मिनरल वाटर के नाम पे स्पिरिट बेची जा रही थी और उस ट्रक का नंबर है TUA506। और इस संगीन जुर्म को रोकने वाले और कोई नहीं, हमारे होनार इंस्पेक्टर मिस्टर पांडे हैं। ये कब हुआ? जो होना था हो गया, अब ज्यादा मत सोच। विनाश राव को पकड़ने की तैयारी कर। बोल। ये जो भी कह रहे सब सच है। जाने मन चाहिए ना, तो जल्दी लिख। कैसे करूं? तेरी मर्जी। जोन, जल्दी चाकू धार करना शुरू कर। तो चल पेन चला। दो दिन तक तेरी मैना हमारे पिंजरे में फड़फड़ाएगी, इसलिए कोई होशियारी मत करना। चलो आप काम करो। कहाँ फंस गया यार? पांडे साहब, आज तो कमाल हो गया। आखिर आज आपने साबित कर ही दिया कि आप विनाश राव के पालतू चमचे नहीं। ऐसा मैं नहीं बल्कि बाकी लोग कह रहे हैं सर, आपने तो डंका बजा दिया। मैंने कुछ नहीं किया है। यही तो जर्रा नवाजी है आपकी। जैसे ही ये खबर मैं अपने अखबार में छापूंगा, आप बुलंदी पर पहुंच जाएंगे। न्यूज की हेडलाइन होगी पांडे का जलवा, जिसके लिए हमें आपकी सिर्फ एक स्माइलिंग फोटो चाहिए। जरा मुस्कुराइए ना, ए फोटो लेना। इंस्पेक्टर पांडे, अपनी टोपी सीधी करो। तुमने विनाश राव के खिलाफ शिकायत दर्ज की और मीडिया को बुला के उनके सामने कुछ भी बयान दे रहे हो। तुमने सुबह सुबह पी रखी है क्या? मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम बिल्कुल पागल हो गए हो। हाँ, पागल हो गया हूँ मैं बिल्कुल पागल हो गया हूँ। पागल हो गया हूँ। एक लड़के ने मुझे पागल किया है। क्या कर रहे हो? पागल हो गया हूँ। मेंटल हॉस्पिटल, एक एम्बुलेंस भेजिए जल्दी। विनाश राव ने अदालत को ये बयान दिया है कि स्पिरिट घोटाले में उनका कोई हाथ नहीं है। विनाश मिनरल्स की कंपनी बरसों पहले उन्होंने बंद कर दी है। विनाश राव, एक कटिंग। बड़ा ग्राहक देखा नहीं कि वेटर आ गए टिप मांगने? अरे पहले सर्विस तो दो, बाद में टिप मांगना। चलो काका, चाय में अदरक डालना, ठीक है? हाथ काबरे, लगता चाय अच्छी नहीं बनाई है। फिर भी एक बार चक्के देख लेता हूँ। ये तेरी सड़ी हुई चाय और ग्लास के पैसे, तुझ जैसे चिल्लर इन चिल्लर के ही लायक होते हैं। ए, जानता भी है किसके सामने खड़ा है? उस गंदी नाली के कीड़े के सामने जिसकी औकात कचरे से भी कई गुजरी है, मुझको सिखाएगा। विनाश राव, तेरे चंगुल से निकलने के बाद मैं सीधा कॉलेज गया तो पता चला एडमिशन कैंसिल हो गया। अपने हॉस्टल गया तो वहां से भी निकाल दिया। बचपन से मैंने जो पुलिस ऑफिसर बनने का सपना देखा था, उसे भी तूने कुचल कर रख दिया। तेरे पास आने का मेरे पास कोई मकसद नहीं था, पर तूने खुद ही अपने आप को बर्बाद करने के सारे रास्ते मुझे दिखा दिए और मुझे ये भी दिखा दिया कि तेरी सबसे बड़ी ताकत क्या है। बताऊं क्या? खौफ। विनाश राव खौफ डालता है, मैंने भी वही डाला। पांडे की गर्लफ्रेंड उठा ली और चाकू के नोक पर उससे FIR लिखवा ली। तू तो हर रोज किसी ना किसी को ब्लैकमेल करता है ना, आज मैंने वही पैतरा तुझ पे आजमाया। अब तू सोच रहा होगा कि इतना सब कुछ सिर्फ 2 घंटे के अंदर कैसे? वही तेरे पुराने फॉर्मूला से जो हमेशा असर करता है, खौफ। सच में यार, कमाल की चीज है ये खौफ। पर कान खोल के सुन ले, तेरे खौफ के दिन अब पूरे होने वाले हैं। मैं पुलिस वाला नहीं बन पाऊंगा, इसका मुझे कोई गम नहीं।
पुलिस मुजरिमों को पकड़ने के लिए होती है, जानवरों को नहीं। और तू एक जानवर है, ये बात मुझसे तूने ही कही थी। और जानवरों को मारने के लिए शिकारी आता है, और वही शिकारी तेरे सामने खड़ा है। सबको बाद में टिप दूंगा, सबको दूंगा। भाई उसे ऐसे जाने क्यों दिया, मार क्यों नहीं दिया? तू खड़ा खड़ा क्या कर रहा था? तेरे हाथों में क्या मेहंदी लगी हुई थी? मैंने सुना था कि तुझे पागलपन का दौरा आया था, अब कैसा है तू? ठीक हुआ या नहीं? ए, स्वागत करो पांडे जी का, इंस्पेक्टर पांडे। आज मैं तुझे एक्स्ट्रा पैसे दूंगा क्योंकि तूने एफआईआर लिखी है। तूने तो कमाल ही कर दिया पांडे, एफआईआर लिखी और वो भी विनाश राव के नाम की। चल अब जा और अरेस्ट वारंट लेके आ, फिर तुझे माल दूंगा। मुझे माफ कर दीजिए भाई, माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए। उस लड़की को मैं ठोक दूंगा, उसके बाद ही आपसे आके मिलूंगा मैं। उस रवि का मेरे हाथों मरना तय है, अभी मैं ही उसको मारूंगा। बस आप मुझे आशीर्वाद दीजिए, वो तो अब गया। गुड मॉर्निंग सर। ए, वो फाइल कहाँ गई? कौन सी फाइल सर? कौन सी फाइल? अरे उस कमबख्त रवि की फाइल कहाँ गई? फाइल आपने रखा था सर अपने कबर्ड में। मेरी कबर्ड कहाँ गई, कहाँ गई? बोलो वो फाइल कहाँ गई? बंदूक, हे ए, ए, मेरी बंदूक कहाँ गई? बंदूक? नहीं। जल्दी से मेरी आज रात की टिकट निकाल दो। यहाँ पर कौन आया है? कौन है रे तू? तेरा बाप, वही जिसको एनकाउंटर में मारने वाले थे। टेंशन मत ले, वो अधूरा काम आज ही पूरा होगा। फाइल भी साथ लाया हूँ, सरकारी गन भी है और गोलियां भी भरी हुई है। आज तो तेरा खेल खत्म ही होगा। खिसकेला का एनकाउंटर सर, क्या शिकार किया है आपने? आपने तो उसे मार दिया जो पिछले 9 सालों से फरार था, जिसने सबकी नाक में दम कर रखा था, आपने उसका दम निकाल दिया। अरे मैंने कुछ नहीं किया। अगले देवराज आप ही बनेंगे सर, इस हफ्ते के मैगजीन के कवर पेज पर आप ही की तस्वीर छापूंगा। ये सब क्या है पांडे, जवाब दे। ये मैंने कुछ नहीं किया है, ये सारा उस रिपोर्टर ने किया है। हाँ रिपोर्टर ने किया है, पर करवाया उस रवि ने। इस मकाम तक पहुंचने के लिए मुझे पूरे 30 साल लगे, लेकिन उस रवि ने सिर्फ 3 महीने के अंदर सब बर्बाद कर दिया, तबाह कर दिया। विनाश राव, विनाश राव। ए पांडे कहाँ हो तुम? सर मैं बस रास्ते में हूँ। बस्ती के लोगों ने यहाँ मोर्चा लगाया हुआ है और विनाश राव भी 1 घंटे में पहुंचने वाले हैं। अगर उन्होंने ये सब देख लिया तो बड़ी मुसीबत आ जाएगी। शांत रहो, शांत रहो, सब चुप हो जाओ, चिल्लाने से कोई फायदा नहीं होगा। अब वो जमीन सरकार की है, निकलो यहाँ से। तुम लोगों को नोटिस पहले ही दी गई थी, चलो निकलो यहाँ से। हमारे घर सरकार के कब्जे हो गए, हम सालों से वहाँ रह रहे हैं, हम कहीं नहीं जाएंगे। कोई भी बिल्डर आके हमारा घर हमसे नहीं छीन सकता, हम कहीं नहीं जाएंगे। इतने सारे लोग बेघर हो जाएंगे, हमने एक एक पाई जोड़ के अपने घर बनाए हैं। ओह कहो तो तुम्हारे लिए एक बंगला बनवा दूं। ए सरकार यहाँ पर हॉस्पिटल बनाने वाली है। सरकार के नाम पे आप हमें बेवकूफ मत बनाइए, हम सब जानते हैं कि आपने ये जमीन विनाश राव को बेच दी है। हाँ उन्हीं को बेचिए, कर लो जो करना है। उनसे लड़ सकेगा है तेरे में हिम्मत? हम तुम्हें तुम्हारे मंसूबों में कामयाब नहीं होने देंगे, हम अपना घर छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे।
मुझे ये बैग आपको देने के लिए कहा। अरे कब से काम कर रहे हो, जाओ बाहर जाके नाश्ता पानी करके आओ और जाते वक्त दरवाजा बंद कर देना। कौन है तुम लोग? ए, तू कौन है? शरीफों के लिए मैं हूँ रवि और दुश्मनों के लिए पुलिस रवि। ओ, तो तुम हो रवि, पर यहाँ क्यों आए हो? मैं इंतजाम करने आया हूँ तेरी अम्मा की शादी का। ए, तुरंत जमीन के कागजात निकाल, वक्त बर्बाद मत कर, इसलिए ताकि बस्ती वालों को उनके घर वापस मिल सके। पर ये तू नहीं कर सकता। पर तू तो कर सकता है ना, इसीलिए तो विनाश राव के टुकड़ों पे पलता है तू। सरकारी आदमी को डराना एक जुर्म है, पता नहीं तू अपने आप को सरकारी नौकर बोलता है। वो आदमी जो सिर्फ 3,000 रुपयों की नौकरी के लिए अपनी जान को जोखिम में डाल के गटर में उतरता है, मेरी नजरों में तो सिर्फ वही है एक असली ईमानदार सरकारी नौकर। कम से कम वो गंदगी साफ तो करता है। तू महीने के 65,000 कमाता है, फिर भी विनाश राव जैसे लोगों से रिश्वत लेता है और उसी के तलवे चाटता है। सुबह, दोपहर, शाम, आधी रात, हर वक्त उसकी गुलामी करता है। तू सरकारी नौकर नहीं है, तू तो सरकार को गंदा करने वाला कीड़ा है। इस नौकरी के लिए मैंने 25 लाख की रिश्वत दी है, उसी की भरपाई कर रहा हूँ। तुझे और उस रिश्वत लेने वाले को ये पुलिस रवि छोड़ेगा नहीं, ये बात तू याद रखना। इस टाइम को उठा और इसका सही इस्तेमाल कर, ये लोगों की भलाई के लिए है, गुंडों की भलाई के लिए नहीं। ए, चुपचाप यहाँ से निकलो। चला जाऊंगा, पहले बस्ती वालों के कागजात तो मेरे हवाले कर दे, वरना अंजाम के लिए तो खुद जिम्मेदार होगा। अगर मैं ना करूं तो क्या कर लोगे? इस बार तो चेयर उड़ी है, अगली बार तू उड़ता दिखेगा। जल्दी से बस्ती के सारे कागजात पर अपने साइन दे दे। सर, प्रेशर मत लो, पेपर साइन कर दो। मुझे बहुत प्रेशर आया है, थोड़ा हल्का होके आऊं? हल्के होने बाद में जाना, पहले साइन करो। सुन लिया साहब ने क्या बोला? सर, बहुत वक्त लग रहा है ना इसमें। अपने करियर में इतने पेपर्स आपने कभी साइन नहीं किए होंगे ना। एक मिनट, कंटिन्यू। गुलाबी नोट, इसे घर ले जाएंगे। कैसे ले जाएंगे, इतना वजन उठाओगे तो थक जाओगे। सर, कम कर देता हूं। साहब, मुझे माफ कर दो साहब, उस रवि ने मुझे धमकाया, इसलिए बस्ती के सारे कागजात मैंने उसे दे दिए। क्या बात है विनाश राव, सुबह सुबह करोड़ों का छूना लग गया, तेरा ही पैतरा आजमाया। मैंने ऑफिसर को बॉम्ब का खौफ दिखाया और डर के मारे उसने सारे कागजात मुझे दे दिए। अरे तुम यहाँ? विकास, रवि कहाँ है? वो तो अपने गांव चला गया। अरे नहीं, मैंने उसे इसी शहर में देखा है, वो यही है। रवि यहाँ है? तो उसने मुझे बताया क्यों नहीं? बकवास बंद करो, मुझे उससे मिलना है, सोचो वो कहाँ होगा। फिक्र मत करो, वो जहाँ भी अंडरग्राउंड छुपा होगा मैं उसे ढूंढ के तुम्हारे हवाले कर दूंगा। अरे अरे, आप कहाँ जा रहे हैं? डिस्चार्ज नहीं दे सकता। ये क्या कर रहे हैं? आपकी तबीयत ठीक रही है, प्लीज गो टू योर बेड। हट, वरना तुझे लिटा दूंगा। हट, चले गाड़ी निकाल। पर भाई, चल। ए, देख के चला नहीं सकता। जा बता दे कि इनका बाप वापस आ गया है। चाचा, सब्जियां कितनी महंगी हो गई हैं। आंखें किसे दिखा रहा है? बहन जी, आप सब्जी लीजिए। मेरे पास भी है। चल फूट यहाँ से। चल निकल यहाँ से। जमाना बदल गया है,
अब विनाश राव और तुझसे कोई नहीं डरेगा, ये तू है। नहीं समझे ना, प्याज को जितना खोलो खुलता जाता है, तुम्हारी भी पोल खुल गई। इसी जगह तुझे तोड़ा था ना, भूल गया? तब रहम खा के मैंने तुझे छोड़ दिया था, और आगे रहम की उम्मीद मत करना। निकल यहाँ से। चल चल निकल यहाँ से। चल चल निकल इधर से। चल 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 रे जाते रे। अरे नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है जाने मन, थोड़ा जवान दिखने के लिए बस। क्या 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 बीच में सुनहरा करो। ठीक है बोलता बोलता। ए सुनहरा रंग ले क्या? अरे तुम इतने जल्दी ठीक हो गए? क्यों, तू क्या चाहता था कि मैं जिंदगी भर वहीं पड़ा रहता? लोगों में मेरी दहशत खत्म हो गई है। कल क्या एक छोकरे ने उनका ब्रेन वॉश कर दिया है, और तुझे जवानी सूझी हुई है, तू यहाँ बैठे बैठे अपने बाल काले किए जा रहा है। काम चोर कहीं का, तुझसे उम्मीद ही करना बेकार है। जा जा, तुझे एक मौका देता हूँ, जाके उसे खत्म कर दे। एक घंटे में काम होना चाहिए, चल जा। निकाल, घूर क्या रहे बे? ओ समझा, रंग अभी तक पूरा चढ़ा हुआ नहीं है। ऐसे ही जा ब्लैक एंड व्हाइट में, शादी करने नहीं जा रहा है तू। चल निकाल निकाल। क्या पांडे जी कैसे हो? ए, ये क्या चल रहा है, क्या लगा के रखा है? आचार बेच रहे हैं, ऊपर आ जाओ, पढ़ा नहीं क्या लिखा हुआ है? चाहे भूत, ए जा देख क्या क्या लिखा है। सर यहाँ पे तो डिटेक्टिव एजेंसी लिखा हुआ है। डिटेक्टिव एजेंसी, ये क्या है? शहर में जितने भी मुजरिम है उनका पूरा बरी खाता चुटकी बजाते ही हमारे पास आ सकता है, उनमें तेरा नाम भी है। तूने कितना काला धन जमा किया है, उससे क्या क्या खरीदा है, कितनी अय्याशी की है, कितनी बीवियाँ है, कितनी गर्लफ्रेंड है, एक बटन दबाते ही सब सामने आ जाएगा। एक बटन और सारी दुनिया को पता चल जाएगा, फिर मुसीबत आके तेरी घंटी बजाएगी। बोल दबा दूं। इसका मालिक कौन है? मैं हूँ सर। अच्छा, सीनियर्स की इज्जत करना छोड़ा नहीं है? हाँ सर, नहीं छोड़ा। एक लाचार और अंधा तुम्हारी वजह से बना, एक चपरासी की नौकरी भी नहीं मिल सकती, मंदिर में भीख भी नहीं मांग सकता, इसीलिए इन लड़कों को साथ लेके मैंने एक डिटेक्टिव एजेंसी का काम शुरू किया है। यहाँ भी आगे सूंघते सूंघते तुम्हारा प्रमोशन हो गया, उससे तुमने करोड़ों कमाए। अभी भी वक्त है जमीर की, सुनो जाओ। सर आपने गाड़ी बीच में क्यों रोक दी? अरे अब तुम मुझसे सवाल करोगे? चल सिगरेट पिला। सर बीड़ी चलेगी? सर बीड़ी चलेगी। वही दे दे। हाय हाय, मिल गई हेडलाइन। पियो बीड़ी, चढ़ जाओ तरक्की की सीढ़ी। काश यहाँ कैमरा होता तो अभी आपकी तस्वीर ले लेता। समझा खुजली क्यों हो रही थी? आपके बारे में बहुत दिनों से मैंने कुछ लिखा नहीं है, अब मैं आपके बारे में ऐसी मसालेदार खबर लिखूंगा कि आपके साथ मैं भी तरक्की पा जाऊंगा। क्यों सर, सही है ना? साहब जरा यहाँ आइए, यहाँ से चुपचाप निकल जाइए, वरना कल के अखबार में आपकी फोटो छप जाएगी। जाइए। उसके पहले मैं यहाँ से खिसक जाइए। बाप रे, क्या पांडे काम किया? उस शाणे को मारा कि नहीं? नहीं चला, मैं उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाया। नहीं क्या? उसका कोई कुछ नहीं कर सकता, सुन लिया ना? अब फोन रखो। ए, जानेमान क्या कर रही हो, फोन क्यों नहीं उठा रही हो मेरा? अरे मैं कितना खुश। यो इंस्पेक्टर, तूने कहा था ना फोन पे कि तुझसे अब कुछ नहीं होगा, तो मैंने सोचा कि ये काम मैं पूरा कर दूं अप टू डेट। वैसे ये कह रहे थे कि इसका मन अब तुझसे भर गया है, तेरी जगह मैं ले लेता हूँ, अब ये मेरा दिल बहलाएगी। बच्चा, तेरे लिए मैंने अपनी बीवी और बच्चों को भी छोड़ दिया, पूरी जिंदगी तेरे नाम करती, तुझ पे जान लुटाई, सारे पैसे तक लुटा दिए, और तूने ये सिला दिया, तूने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। इसमें नाराज होने वाली क्या बात है, ये तो मेरा काम है, जहाँ पैसा वहाँ मैं। तूने पहले तो ऐसा कभी नहीं किया। ऐसा मर्द भी तो पहले नहीं मिला। क्या बात है। अबे सब बुद्ध बन के क्यों खड़े हो, इतने दिनों से फोन नहीं किया? तो उसमें रोता काहे को है? क्या रे छेला, ये तेरी शक्ल को किसी बिल्ली ने नोचा? बिल्ली बिल्ली नहीं, वो रवि, वो जिम्मेदार है। जिसने तेरे साथ पंगा लिया है ना, उसे मैं दो टांगों पे चलने का काबिल नहीं रखूंगा।
मैं उसकी कहानी खत्म करूंगा, ये मेरा वादा है। चलो रे। हाँ बोलो प्रिया। 3 महीने से घर नहीं आए हो तुम। अभी जरूरी काम में फंसा हूँ, नहीं आ सकता। तुम्हारी बहुत याद आ रही है, मैं वहाँ आ जाऊँ क्या? देखो ऐसी बकवास मत करो, अभी फोन रखो, बाद में बात करता हूँ। ये बैंक वाले हरदम फोन करके नाक में दम कर देते हैं, लोन ले लीजिए। अरे ले तो लूंगा पर भरेगा कौन है? रवि बोल रहा हूँ। अरे भैया कैसे हो तुम? बढ़िया हूँ। 3 महीने से गोलू घर ही नहीं आ रहा है, मुझसे ठीक से बात भी नहीं कर रहा है वो, मुझे उसकी बहुत याद आती है। तो तुम यहाँ पर आ जाओ। आती हूँ भैया। प्रिया से शादी करने के लिए तो बहुत उतावला हो रहा था, अब क्या हो गया, उसे भाव भी नहीं देता। अरे तू इतनी मुसीबत में है, मैं कैसे जा सकता हूँ? मैं अच्छी तरह जानता था, इसलिए उसे ही यहाँ बुला लिया। रवि वो देख। आंटी रवि कहाँ रहता है? वहाँ ऊपर। ऊपर छत पे कबूतर उड़ाता है क्या? कैसे हो रवि, कहाँ गायब हो गए थे? ना फोन ना मैसेज, अब मिले हो। ये कैसे कपड़े पहने हैं, यहाँ कब से रह रहे हो? कौन है ये? कौन है? सुशी रवि, तुम्हारी सुष्मिता। लगता है कि ये वही सुष्मिता है जो खुद को मिस यूनिवर्स समझ बैठी थी, पागलखाने से छूट गई। इसका स्क्रू मैं टाइट करता हूँ। तू खर्चे करवाने वाली गर्लफ्रेंड को भूल सकता है, लेकिन प्यार सिखाने वाले टीचर को नहीं भूल सकता। हम दोनों की दोस्ती के बीच आज तक कोई नहीं आया, शहर के गुंडे तक नहीं, इसको भूल गया है, लेकिन मुझे नहीं भुलाए ना रवि। रवि मैं तेरा दोस्त विकास हूँ, मेरी मेंढक जैसी आंखें, याद आया ना? अच्छा विकास, तेरा नाम विकास है ये तो मुझे समझ में आ गया, पर ये रवि कौन है मुझे नहीं समझ में आ रहा। नहीं? रवि, रवि! तू तो उससे शादी करना चाहता था, कहता था अगर उससे शादी नहीं हुई तो तू मर जाएगा। अब जब वो खुद अपना प्यार का इजहार कर रही है तो तू इतना भाव क्यों खा रहा है, प्रॉब्लम क्या है? अब मेरी जिंदगी पहले जैसी नहीं है और मैं नहीं चाहता उसके ऊपर कोई खतरा है। पर वो बहुत खतरनाक है। क्या? पीछे मुड़ के देख, तेरा पीछा कर रही है। रवि, रवि! हेलो, मैं शेरा बोल रहा हूँ। तेरी माशुका तेरे पीछे रवि रवि करते आ रही थी, देख के बता है कि नहीं? अरे सुष्मिता कहाँ गायब हो गई? गायब हो गई बेटा, अगर उससे मिलना चाहता है तो SMS की हुए एड्रेस पे पहुंच जा, वो भी अकेले। बोलो, गाड़ी रुक। अरे कहाँ जा रहा है? एक जरूरी काम है करके आता हूँ। लेकिन हम साथ चलते। आ गया तू, आजा आजा बेटा आजा। क्या घूर रहा है तू? ये अंग्रेजी माल नहीं है, प्योर देसी माल है। ये आग पकड़ लेता है भप करके। आप उनको विदेशी अजम नहीं होती, तू पिएगा क्या? जिस काम से बुलाया वो काम की बात कर। हाँ, ए! रवि, रवि! बात खोपड़ी में घुसी, छिल्ला को मार के तूने बिल्कुल अच्छा नहीं किया। तेरी फालतू बकबक सुनने के लिए मैं यहाँ पर नहीं आया। अबे तू मुझे फालतू बोल रहा है क्या? मैं फालतू बड़बड़ नहीं कर रहा बल्कि तुझे धमका रहा हूँ, और तू मुझे हल्के में ले रहा है। तू शायद मेरे खौफ से वाकिफ नहीं है। मैं हूँ शेरा, मैं जंगल के शेर की नींद चुरा लेता हूँ और तू यहाँ बेखौफ बैठा है। बोल तू गाँव वापस जाता है कि नहीं, बोल। तू किसकी नींद चुरा था उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। अबे ए, ए, अब बताओ मैं क्या कर सकता हूँ? घटक गया बेटा, ये तेरी जिंदगी की आखिरी जाम होगी। फूक ले बेटा, फूक ले, इसके बाद तू यही सिगरेट के धुएं की तरह गुम हो जाएगा।
बचाओगे, अब कभी मुझे छोड़कर मत जाना। तू तो उसे चलने लायक नहीं छोड़ने वाला था ना, फिर क्या हुआ? उसे मारना नामुमकिन है, वो मौत का कफन सर पे बांध के चलता है। तेरे दिन भर गए हैं। क्या हुआ? उसने मुझे फूंक डाला। अब क्या बताऊं, रवि को मारने के लिए भेजा था पर उसने इसी का काम तमाम कर दिया। क्या कोई उसे मार नहीं सकता? इसकी तो उस रवि की मौत सिर्फ मेरे हाथों ही लिखी है, अब वो नहीं बचेगा। अरे गोलू कहाँ है तू? स्टेशन आया हूँ। ट्रेन आ गई क्या? नहीं, अभी आधा घंटा लेट है। हाँ ठीक है, तू जल्दी आ जा। देख फाइल में अच्छे से चेक कर किसके नाम। बोल गोलू। देख यहाँ प्रिया आ गई। रवि मैं मुसीबत में हूँ। हाँ बोल। गोलू प्रिया को लेने स्टेशन गया था। वो सुबह गया था। तुझे क्या लगता है, तुझ जैसे लड़के जो अभी अभी अंडे से निकले हैं वो मुझे यानी विनाश राव को मारने की ताकत रखते हैं? ओह, दम घुट रहा है तेरा। लंबी लंबी सांस ले बेटा, क्योंकि उसके बाद तू चाह कर भी ले नहीं पाएगा। ए, पागल हो गया है क्या? ये बिना वजह नहीं हंस रहा, इसे खुशी है कि ये अपने दोस्त के लिए कुर्बानी दे रहा है। हाँ, सही कहा, अगर मैं मर गया तो मेरे पीछे रोने वाले कम से कम लोग तो हैं, लेकिन अगर तू मरा तो तेरे पीछे एक कुत्ता भी नहीं रोएगा। ए, ए, चुप कर। ए, चुप कर, ये बिल्कुल ठीक कह रहा है, ये अपने दोस्त के लिए कुर्बानी दे रहा है। क्या तू मेरे लिए कुर्बानी दे सकता है? दे सकता है? ए गोलू तू कहाँ पे? ए, मैं विनाश राव। जाना, जो लड़का गांव में चैन की जिंदगी जी रहा था उसे यहाँ बुलाकर बहुत बड़ी गलती की। रवि इसे छोड़ना मत। सुनिए उसकी चीख। और उसे जाने दे। गोलू को कुछ मत कर। तू चिंता मत कर रवि, मैं तेरे दोस्त को सही सलामत तेरे पास पहुंचा दूंगा। गोलू को अकेले स्टेशन क्यों भेजा? गोलू कहाँ है? अरे रहने दीजिए, नमस्ते।
ट्रेन आधा घंटा लेट क्या हुई? वो तो वहाँ से निकल गया, रुक नहीं सकता था। ऐसा क्या जरूरी काम आ गया था उसको कि मेरा इंतजार भी नहीं किया? मैं एक घंटा स्टेशन पर बैठी रही। अपनी बीवी के साथ कोई ऐसा करता है क्या? कितनी मुश्किलों से मैं यहाँ तक पहुँची हूँ पता है? कैसे लोग हैं बॉक्स ऐसे ही छोड़ के चले गए? भैया देखो इसमें से खून निकल रहा है, जरा देखो तो सही इसमें क्या है। ए मत जा, छोड़ मुझे। गोलू, गोलू, गोलू हो गया ये। तुम मत देखो। गोलू, क्या हो गया इसके साथ? तेरा दोस्त सही सलामत पहुंच गया ना? तू सोच रहा होगा कि आखिर तूने मुझसे पंगा लिया ही क्यों? बहुत दिनों बाद आज मैं खुश हूं, बहुत खुश हूं मैं। कल से मैं वही पुराना विनाश राव बन जाऊंगा। तुझसे बात करने का वक्त नहीं होगा मेरे पास। 9 से 9 तक एकदम मसरूफ, कोई नहीं बच पाएगा विनाश राव से। हेलो, तू अब तक सो रहा है? मेरे दोस्त गोलू को मार के तू चैन से कैसे सो सकता है? तू 9 से 9 बहुत ज्यादा मशरूफ रहता है ना? तेरा पहला काम बताऊं? तेरे सोने की दुकान में आग लगा दी है, इससे पहले वो चल के राख हो जाए, जाके उसे बचा ले। यहाँ आग लग गई है। मैंने नहीं लगाई है। हट भाई, दुकान चल के राख हो गई ना, अब वहां पर खड़े रहकर कोई फायदा नहीं। तेरा अगला विनाश देख ले चिटफंड वाला। सिक्योरिटी, हट जाओ। क्या कर रहे हो भाई? पैसे भूख लिए? अब जा अपनी कंस्ट्रक्शन कंपनी देंगे। सारी ईंटें गिर गईं कि कुछ बाकी है? वैसे भी तेरे काले धन से ही बनी हुई थी। पूरा दिन खत्म होने में अभी वक्त बाकी है, अभी तो सिर्फ शाम हुई है। तेरा आखिरी विनाश तो बाकी है। जैसे मेरा दोस्त गया वैसे तेरा बेटा भी जाएगा। उसे बचा सकता है तो बचा ले। रोजी पकड़ो। कहिए, उस कमबख्त ने तबाही मचा रखी है। इसने? वही बदबख्त रवि। वो कह रहा था कि वो तुझे जान से मार देगा। तू जहाँ भी है फौरन घर पहुँच। छोड़ूंगा नहीं। गाड़ी स्टार्ट कर। ए, तुम लोग घर जाओ। क्या हो गया भाई, पूल में कितना मजा कर रहे थे? उस लड़के ने मेरा जीना हराम कर दिया है। पापा ने मुझे फौरन घर बुलाया। जल्दी चल, चल। आप स्विमिंग अच्छा करते हो। ए, स्विमिंग करने कौन जाता है? मैं तो मजे में पार्टी कर रहा था। वैसे भी मुझे तैरना नहीं आता। सच में तैरना नहीं आता? तू क्या मेरा इंटरव्यू ले रहा है? जल्दी चल। तुझे नदी में फेंक दूं तो तू तैर लेगा?
आज का दिन कैसा रहा? क्या विनाश, तूने अपने बेटे को गुंडागर्दी सिखाई, लड़कियों को छेड़ना सिखाया, पर उसे तैरना नहीं सिखाया, ये कैसे भूल गया? इसीलिए बेचारा खुद अकेले कोशिश कर रहा है किसी तरह पानी से बाहर निकलने की। अब लोटा लेकर आ और उसकी अस्थियां लेकर जा। तूने देखा क्या हाल किया उसने मेरे बेटे का? उसने? किसने? उसी रवि ने। उसने कुछ नहीं किया है। तेरा बेटा पी के गाड़ी चला रहा था, ब्रिज से गाड़ी टकराई और वहां से नीचे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट तो यही कहता है। लगता है तू अपनी वफादारी भूल गया है। गलत, मैंने अब अपना मालिक बदल दिया है, अपनी वर्दी से वफादारी करूंगा। जानता है किससे बात कर रहा है तू? किससे? तुम कोई मिनिस्टर हो जिसको मैं सल्यूट करूं और सर झुका दूं? तुम तो एक मामूली इंसान हो। डीसीपी कहाँ है? उनकी तबीयत ठीक नहीं है, अब वो कल ही मिलेंगे। आज यहाँ का इंचार्ज मैं ही हूँ। एक मामूली गुंडा मरा है, यहाँ कोई नेता नहीं मरा है। 5-10 लोगों को रहने दो, बाकी सबको निकालो यहाँ से। बाय। तुम कोई मिनिस्टर हो जिसको मैं सल्यूट करूँ और सर झुका दूँ? सुनो, यहाँ पे सिक्योरिटी लगा दो। स्टॉप स्टॉप, रोको। सॉरी सर। विनाश राव, बाहर क्यों बैठे हो? अंदर चलो। क्रियाकर्म करके आया हूं, अंदर नहीं आ सकता, परंपरा है। माफ करना, मैं एक मीटिंग में। आप क्यों नहीं आए, आपको वक्त मिला या नहीं, इससे मेरा कोई वास्ता नहीं। मुझे कुछ नहीं जानना। आपने कई बार मुझे मिनिस्टर बनने के लिए कहा, लगता है वो वक्त आ गया है। अचानक मिनिस्टर क्यों बनना है? हाँ, ऐसे ही अचानक। अचानक मेरी जिंदगी में एक शख्स आया है जिसने मुझे पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है। लोगों के दिलों से मेरा खौफ पूरी तरह मिटा दिया है। उसने मेरे बेटे को मार दिया, इसलिए अचानक मैंने ये फैसला किया है। अगर तुम कहो तो। आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं, बस जैसा मैं कहूं वैसा करते जाओ। मुझे मिनिस्टर की पोस्ट चाहिए। पर विनाश, फ्री में कुछ नहीं चाहिए मुझे। ये पैसे देख रहे हैं ना, कम पड़े तो और मांग लेना, जितने कहोगे उतने पहुंचा दूंगा। सारी प्रॉपर्टी आपके नाम कर दूंगा, बस मिनिस्टर बना दो, और कुछ नहीं चाहिए। मैंने मीडिया को भी ये बात बता दी है कि विनाश राव बहुत जल्द मिनिस्टर बनेगा, वरना तुम्हारी सरकार गिर जाएगी, इलेक्शन करवाने पड़ेंगे। ए, चलो यहां से। आज की ताजा खबर ये है कि कैबिनेट में कुछ नए मंत्रियों का चुनाव होगा और कैबिनेट ने ये फैसला किया है कि विनाश राव को मंत्री बनाएंगे। अरे रवि, आगे की खबरें जानने के लिए हम जा रहा है। सब खत्म हो जाएगा अगर वो मंत्री बन गया तो। रवि, हमारी मदद करो, हम नहीं बनना चाहिए, हमें बचा लो। कल मेरे शपथ लेने से पहले रवि खत्म हो जाना चाहिए। लेकिन सर। और सर भाई नहीं, उससे जुड़े तमाम लोग। लेकिन सर, मैं ऐसा नहीं कर सकता, रवि को मारने के लिए कोई वजह तो चाहिए। अरे सर, सुना लिया अपने आपको, ये जगह खाली करो, खाली करो। आप यहाँ बैठिए सर, जल्दी से कंट्रोल रूम में फोन करके और पुलिस फोर्स मंगवा लो। जाओ, जल्दी जाओ, डू इट फास्ट। इधर आओ, इधर आओ। तुम सोच रहे हो मैं हंस क्यों रहा हूं, है ना? ये जो यहाँ पर बॉम्ब ब्लास्ट हुआ वो मैंने ही करवाया था। तुम्हें वजह चाहिए थी ना, बाहर देखो
जैसा कि आपने देखा, अभी अभी किसी ने विनाश राव जी की जान लेने की कोशिश की। हमलावर कौन है अभी तक नहीं पता चला है। उनके शपथ लेने से पहले ही उन्हें मारने की साजिश की जा रही है। ये मुझे मारने की साजिश थी, ये सब रवि ने करवाया है। तुम्हें कुछ भी नहीं करना है, मेरे आदमी सब संभाल लेंगे, तुम बस देखते रहना। कहाँ ले जा रहा है मुझे? बताता हूँ, मुझे अभी जानना है कहाँ ले जा रहे। हाँ दीपक बोलो। हेलो रवि, विनाश राव के लोगों ने बस्ती के लोगों को बहुत बुरी तरह से मारा है। बच्चे बूढ़े औरतें किसी को नहीं छोड़ा। पता चल गया ना कि क्या हो रहा है? यही वजह है तुम्हें इस शहर से दूर ले जा रहा हूँ। पहले गाड़ी हॉस्पिटल घुमा। रवि भाई, बच्चे बूढ़े औरतें किसी को नहीं छोड़ा दरिंदों ने। ये क्या कर दिया? हमने हमारे हक की बात की तो हमारा ये हाल कर दिया। उस विनाश राव को छोड़ा मत, उस दरिंदे ने मेरा पैर काट दिया बेटा। इस नन्ही जान ने क्या बिगाड़ा था, इसे इतना मारा कि ये बेहोश हो गया। और ये पुलिस वाले तो वहाँ खड़े खड़े सिर्फ तमाशा देख रहे थे। उसके खिलाफ कोई नहीं जा सकता, कल वो मिनिस्टर बनेगा तो और ताकतवर बन जाएगा। वो किसी भी हाल में मिनिस्टर नहीं बनना चाहिए। वो कभी नहीं बनना चाहिए बेटा। वो बना तो मैं भूख हड़ताल कर दूंगी। रुक जाओ। क्यों रोक रही है मुझे? इन सब की चीखें तुम्हें सुनाई नहीं दे रही है क्या? इसे रोकना नहीं, अगर आज इसे रोक दिया तो विनाश राव को रोकना मुश्किल होगा। अगर वो मंत्री बन गया तो देश तबाह हो जाएगा। ये एक जंग है जिसे छेड़ना तो आसान है लेकिन इसे खत्म करना बहुत मुश्किल है। कम ऑन, मूव। एक पुलिस ऑफिसर का फर्ज निभाओ। क्या विनाश राव आ गए? जी वो आ रहे हैं। अरे वो अभी आते ही होंगे, कोई भी अच्छा काम करने से पहले वो अपनी चाय की दुकान पे जाते हैं। भाई सब आपका ही इंतजार कर रहे हैं। तूने तो कहा था कि तूने पूरा शहर छान मारा और ये तुझे मिला नहीं, डर के मारे किसी बिल में छिप गया है। मैंने कहा था कि वो आएगा, देखो वो आ गया, शिकारी शिकार बनकर यहाँ आ गया। पर तू यहाँ अकेला आया है, तेरे सारे चमचे और तेरे दोस्त यार सब कहाँ हैं? हाँ? ओ, सब हॉस्पिटल में हैं। सब वहां पर जख्मी पड़े हुए हैं ना? सबको निडर बना के बहुत ही अच्छा काम किया था तूने। मैं ऐसा नहीं कर पाया। मैं सोचता रहा क्या करूं तेरे साथ, तूने बहुत नुकसान किया मेरा। मेरी ज्वेलरी शॉप गई, चिटफंड भी चला गया, कंस्ट्रक्शन का काम भी खत्म। पर कोई बात नहीं, इन सब का गम नहीं मुझे। तूने मेरे बेटे को मार डाला, ये नहीं भूलूंगा मैं। एक बात मुझे बहुत देर से समझ में आई, खौफ से भी बड़ी कोई चीज है वो है कुर्सी। इसलिए मैंने पैसे देकर उसे भी खरीद लिया। ताकत आ जाएगी तो खौफ भी वापस आ जाएगा ना। आज तू मेरे सामने खड़ा है, एक बार पहले भी इसी तरह तू मेरे सामने बेबस खड़ा था। तब मैंने तेरे साथ कुछ नहीं किया था, लेकिन आज वो गलती मैं दोहराऊंगा नहीं। किसी काम से पहले मुझे लाश दिखे तो मैं उसे गुड लक मानता हूं। आज मैं मिनिस्टर बनने वाला हूं तो तेरी लाश देखकर जाऊंगा। हाँ?
गुंडागर्दी करके तूने सिर्फ इस शहर को बर्बाद किया था, अब मंत्री बन के पूरे देश को बर्बाद करना चाहता है। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। तुझे और तेरे भ्रष्टाचार फैलाने वाले चमचों को चुन चुन के मारूंगा, और जब तक सबको मिटाना दूं मैं चैन से नहीं बैठूंगा। ऊपर वाला हर जगह नहीं आ सकता, इसलिए मुझ जैसों को भेजता है। तुझ जैसे शैतानों को मारने के लिए मैं तुझे रुको। तूने अपना पूरा जोर लगाया पर मुझे मार नहीं पाया। पता नहीं आज के बाद कभी हम मिलेंगे भी या नहीं, इसलिए जाते जाते तुझे अलविदा कहना चाहता। लेके जाओ उसको। अरे पुलिस ने तो उसको पकड़ लिया। विनाश राव आपके बिल्कुल सामने खड़ा है देवराज सर, जैसे ही सायरन बजेगा तो समझ जाना वो उसकी बाईं तरफ खड़ा है। मैं दरिंदा बचना नहीं चाहिए देवराज सर। अब किसी को भी मेरा खौफ नहीं रहेगा। मेरी यह ख्वाहिश थी कि मेरा बेटा बड़ा होकर एक पुलिस वाला बने, लेकिन अगर तुम मेरी यह ख्वाहिश पूरी करोगे तो मुझे खुशी होगी। प्लीज ज्वाइन द पुलिस फोर्स। नहीं सर। बेटा इतना अच्छा मौका हाथ से क्यों गवा रहे हो? पुलिस की नौकरी करना उतना जरूरी नहीं है सर, जितना ना इंसाफी के खिलाफ आवाज उठाना है। फिर हर मुजरिम गलत काम करने से पहले 10 बार सोचेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि जुर्म बंद हो जाएंगे, पर उनकी तादाद कम हो सकती है। मेरे अंदर एक पुलिस वाला है और कई अरसे से है, जब भी कुछ गलत देखेगा तो ये पुलिस रवि आएगा, ये मेरा आप सबसे वादा है। और मैं अकेला नहीं, पूरी जनता पुलिस वाली बनेगी। अपना ख्याल रखना। ये क्या कर सल्यूट करके मुझे शर्मिंदा मत कीजिए।